का हूं तो समय तो लगेगा, मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। तो 3 घंटे में तो इतनी उठापटक हुई है, पूरा इतिहास इसमें रचा गया 3 घंटे में, तो उसको अब 20 मिनट में तो बताना बहुत ही मुश्किल काम होगा। समय तो लेकिन है ही कुल और हम मिलाकर लोग समय तो है ही जी, और हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं तो हाँ जी, तो मैं अगर वहीं से अपना शुरू समय को करता हूँ। नहीं। जी, तो हुआ ये कि काशी नरेश ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया कि रविवार के दिन रखा जाए। और जहां तक मेरा अनुमान है, ये किसी वर्जन में मिलता नहीं है सनातनियों के या समाजियों के, लेकिन मेरा अनुमान है कि उन्होंने जरूर मुहूर्त निकलवाया होगा। मुहूर्त निकला 16 नवंबर मंगलवार का, उसकी तिथि इतनी सब लिखी हुई है, और वो चाहते थे कि किसी तरह ये जो सन्यासी आया हुआ है इस पर इसको पराभूत किया जाए। तो उसके लिए पूरी तैयारी वो करवाना चाहते थे। और हुआ यही कि ऐसा तो आग्रह दयानंद जी ने, जहां तक मेरी जानकारी, नहीं किया था कि काशी नरेश स्वयं पधारे उसमें। लेकिन काशी नरेश, जैसा कि मकरंद जी ने बताया मेरे उसमें से एक पैराग्राफ पढ़ के, कि ईश्वरी नारायण प्रसाद सिंह, जिनकी की उम्र उस समय 48 साल थी, उनके युवराज प्रभु नारायण सिंह 14 साल के, वो प्रविष्ट हुए। तो शहर के कोतवाल ने, रघुनंदन प्रसाद जी ने जो इंतजाम कर रखे थे कि पर्सन टू पर्सन पर्सन कन्फ्रंटेशन होगा दयानंद का, तो एक पंडित उनके सामने बैठेगा और एक एक आदमी दोनों की सहायता के लिए बगल में उपस्थित रहेगा। इसी तरह से शास्त्रार्थ होगा। ये तो सारा इंतजाम डिस्टर्ब हो गया, जैसा कि लेखा मारे बताते हैं, क्योंकि काशी नरेश करीब 40 पंडितों के साथ प्रविष्ट हुए उस स्थान पर, आनंद बाग में जो हाल था उसमें दयानंद, उसी की एक कोठी में दयानंद रुके हुए थे, और वो सारे पंडित उनको घेर करके चल रहे थे। और यह तो सूचित किया गया था कि शास्त्रार्थ आपसे स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती करेंगे और बाल शास्त्री जी उनके साथ रहेंगे, लेकिन 12 पंडित एक तरफ और बाकी के पंडित एक तरफ दयानंद के दोनों ओर बैठ गए। बीच में काशी नरेश युवराज के साथ बैठ गए, तो पूरा एक जो माहौल है वो अलग तरह का हो गया। और श्रोताओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र वहां मौजूद थे, काशी के जो दिग्गज पंडित हैं उस समय के, कैलाश चंद्र बृहस्पति, दामोदर लाल गोस्वामी, बड़े बड़े जो विभूतियां हैं काशी की, वो श्रोताओं में उपस्थित थी। कुल मिलाकर कितनी संख्या थी, इसके अलग अलग ब्यौरे मिलते हैं, 10,000 से लेकर के 60,000 तक अलग अलग विवरणों में संख्या श्रोताओं की बताई गई है। कुछ अतिरंजित संख्या मेरे ख्याल में बताई गई है। तो जैसे ही शास्त्रार्थ आरंभ होने वाला था, स्वामी दयानंद ने पूछा कि मैंने जो अनुरोध किया था कि सरस्वती भवन ग्रंथागार से मूल ग्रंथों की प्रतियां मंगवा करके रख दी जाएं, 4 वेद और वेदांग के ग्रंथ रखवा दिए जाएं, तो क्या वे ग्रंथ लाए गए? तो काशी नरेश ने कहा कि ग्रंथों की कोई आवश्यकता नहीं है, सारे पंडित वेद स्वरूप हैं, सबको वेद उपस्थित हैं। और काशी में तो शास्त्रार्थ में ऐसा होता नहीं था कि एडिशंस रखे जाएं, किताबें रखी जाएं, पंडितों को सब किताबें ग्रंथ उपस्थित हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो अनुरोध आपका हमने स्वीकार नहीं किया है। इस पर दयानंद ने कहा कि यह अच्छा नहीं है, क्योंकि शास्त्रार्थ के समय जो कुछ उद्धरण ग्रंथ से दिया जा रहा है, उस पर यदि शंका है तो ग्रंथ से मिलाने का अवसर होना चाहिए। उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन अब तो राजा चूंकि थे और वो अध्यक्षता कर रहे थे, तो उसका कोई परिणाम तो हो नहीं सकता था। इसके बाद काशी नरेश ने कहा कि शास्त्रार्थ आरंभ किया जाए। तो 16 नवंबर 1869 के दिन 4 बजे अपराह्न में शास्त्रार्थ आरंभ हुआ, 7 बजे तक चला, 3 घंटे तक यह चला। इसमें दयानंद ने कहा कि हमारा तो एक ही सवाल है कि वेदों में मूर्ति पूजा का विधान कहाँ है, और इसी पर शास्त्रार्थ होना है। काशी नरेश के सभा पंडित थे ताराचरण तर्करत्न, उन्होंने पंडितों की ओर से प्रश्न किया कि आप वेदों को ही प्रमाण क्यों मानते हैं, पुराणों को, इतिहास पुराण को प्रमाण आप क्यों नहीं मानते, इसका क्या आधार है? तो दयानंद ने कहा कि वेद हमारे लिए प्रमाण है, उसके अतिरिक्त वेद बाह्य हम कुछ भी प्रमाण स्वीकार नहीं करते, ये हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया, इस पर कोई बहस नहीं होगी। लेकिन ताराचरण तर्करत्न उनसे थोड़ा भिड़ गए, उन्होंने वेद की नित्यता और अनित्यता को लेकर सवाल उठाया, वेद का कर्ता कौन है, ईश्वर क्या उसका कर्ता है या नहीं है, इस पर प्रश्न हुए। और दयानंद का एक ही उत्तर था कि ये अवांतर प्रश्न है और आप लोग विषयांतर कर रहे हैं। इस पर पंडित बाल शास्त्री ने थोड़ा हस्तक्षेप किया और उन्होंने कहा कि वेदों में यदि कोई कर्म विहित नहीं है तो वह त्याज्य नहीं हो जाता। पर शास्त्री बहुत बड़े विचारक और बहुत गंभीर पंडित थे और वेद स्वरूप थे, इसमें तो कोई संदेह नहीं, और बहुत प्रामाणिक बात ही वो करते थे। उन्होंने पूरे शास्त्रार्थ में कुल 3 बार ही हस्तक्षेप किया है, तीनों बार बहुत ही प्रामाणिक बात उन्होंने कही।
लेकिन दयानंद का कहना, दयानंद तो अधिक थे अपने इस आग्रह पर कि जो वेद में नहीं है वह अन्यत्र भी नहीं विहित हो सकता। और पंडित लोग इस पर बहुत आग्रह इसलिए नहीं करते कर सकते थे क्योंकि पंडितों का भी तो पक्ष यही था कि जो कुछ भारत में धर्म है वह सब वेदोखिलो धर्म मूलम, तो वेद तो सारे धर्म का मूल है, तो वेदों में यदि नहीं है विधान तो कैसे, तो किसी तरह से सिद्ध किया जाएगा कि वेदों में है या इसी तरह से सिद्ध किया जाएगा कि पुराण तो वेदों की उपब्रह्मण है, तो पुराणों में तो विधान है मूर्ति पूजा का। इस पर दयानंद स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि पुराणों को प्रमाण स्वीकार किया जाएगा। तब विशुद्धानंद सरस्वती ने ब्रह्मसूत्र के द्वितीय पाद के दूसरे अध्याय के पहले सूत्र के बारे में उसकी व्याख्या पर प्रश्न किया कि रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम प्रमाणम, ईश्वर के कर्तृत्व को लेकर के चूंकि बहस शुरू हो गई थी और वेदों का कर्ता कौन है इस पर बहस होने लगी थी, तो उन्होंने कहा कि आप इस सूत्र की व्याख्या करके बताइए कि अनुमान प्रमाण कैसे नहीं हो सकता ईश्वर की सिद्धि के लिए। वो वेदांती थे, वेदांत के बहुत बड़े मर्मज्ञ थे विशुद्धानंद सरस्वती, और बड़ी विभूति थे, बड़े योगी थे, गोपीनाथ कविराज जैसी विभूति उनके शिष्य रहे, तो और कई राजा महाराजा उनके शिष्य थे, बड़े योगी माने जाते थे, उनके बारे में तो कई कथाएं किंवदंतियां हैं। तो दयानंद जी ने कहा कि इस सूत्र की व्याख्या पूछने से क्या मतलब है, और सनातनियों का पक्ष है कि दयानंद इसका उत्तर नहीं दे पाए, ये दोनों के ब्योरे में अलग अलग प्रकार का मिलता है, और आर्य समाज का पक्ष ये है कि दयानंद जी ने कहा कि आप विषयांतर कर रहे हैं, विषयांतर न किया जाए। और तब विशुद्धानंद सरस्वती ने कहा कि जब ठीक से तैयारी नहीं थी तो क्यों आ गए शास्त्रार्थ करने, ये थोड़ी सी डेकोरम के बाहर की बात थी। और विशुद्धानंद जी ने इस तरह की 2-3 बार इस तरह की बात वहां पर की, बहुत बड़े योगी थे और उनके सामने थर्राते थे राजा महाराजा, उनके सामने कांपते थे, इस तरह की उनकी ख्याति थी। वो इसको कान पकड़ के बाहर कर दो एक राजा के लिए उन्होंने अपने दरबान से कहा था एक बार, ये इसका रिकॉर्ड मिलता है। तो इस तरह की उनकी सत्ता थी, एक योगी की सत्ता थी, उस तरह से वो कह भी सकते थे। तो दयानंद से उन्होंने कहा कि क्यों आ गए जब पूरी तरह से तैयारी नहीं थी, तो दयानंद ने कहा कि आपने क्या सारे शास्त्रार्थ पढ़ रखे हैं, तो उन्होंने हंसते हुए विशुद्धानंद जी ने कहा कि हाँ पढ़ रखे हैं। तब दयानंद जी ने कहा कि आप धर्म का लक्षण बताइए, धर्म का लक्षण क्या है। तब धर्म के लक्षण पर थोड़ी चर्चा हुई और धर्म के कई लक्षण विशुद्धानंद सरस्वती बताने लगे। दयानंद जी ने कहा कि आप तो एक लक्षण बता रहे हैं मनुस्मृति में, दशकम धर्म लक्षण, 10 लक्षण बताए हैं, इस पर थोड़ी बहस हुई। उसके बाद विशुद्धानंद जी ने अपनी ओर से क्या मेरी आवाज आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, आवाज भी आ रही है, दिखाई भी दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास हाँ मैसेज आ रहा है कि लो क्वालिटी, आप या तो केवल ऑडियो में चले जाइए इत्यादि। नहीं नहीं, अच्छे से दिख रहा है। हाँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा जल्दी जल्दी इसको समझ कर। बहुत अच्छा चल रहा है सर, बहुत बढ़िया जी। तो फिर विशुद्धानंद जी ने अपनी ओर से एक तर्क दिया कि ब्राह्मण ग्रंथों में उपासना का वर्णन है, उपनिषदों में भी उपासना का वर्णन है, तो मनोब्रह्मेति उपासित, आदित्यम ब्रह्मेति उपासित, ये सब वाक्य आते हैं ब्राह्मण ग्रंथों में उपनिषदों में। जो उपासना है वह तो फिर मूर्ति को सामने रख करके भी की जाएगी, तो मूर्ति पूजा का विधान वेद में हो गया। दयानंद ने इसके उत्तर में कहा कि पाषाणम ब्रह्म इत्युपासित ऐसा तो नहीं कहा गया, मनोब्रह्म इत्युपासित तो निराकार की उपासना तो है, उपासना का विधान तो है वेद में, लेकिन निराकार की उपासना है। जो उनका दर्शन था द्वैत का दर्शन, उसमें साकार के लिए तो गुंजाइश नहीं थी दयानंद के दर्शन में उस समय, और इसलिए मूर्ति पूजा का बराबर खंडन करने पर अडिग थे। तो ये तर्क वितर्क जब हुआ तो उससे फिर एक बार स्वामी विशुद्धानंद ने दयानंद पर प्रश्नों की बौछार कर दी कि वेद का प्रवर्तक कौन है, यदि ईश्वर है तो फिर ईश्वर का स्वरूप क्या है, वेदों का कर्ता यदि ईश्वर है तो उसका स्वरूप बताइए। तो दयानंद ने कहा कि एक ही स्वरूप हम जानते हैं, एक ही निराकार ईश्वर है। दयानंद की यह बात सुनकर के स्वामी विशुद्धानंद ने कहा कि न्याय दर्शन में ईश्वर का स्वरूप यह है, मीमांसा में यह है, वेदांत में यह है। तो दयानंद ने थोड़ा सा चिढ़कर के पूछा, ईश्वरा बहुओ भवन्ति किमिति, क्या ईश्वर कई होते हैं, ईश्वर तो एक ही है जो उनका दर्शन था। तो विशुद्धानंद जी ने कहा कि अलग अलग दर्शनों में अलग अलग स्वरूप है, इसलिए हम अलग अलग स्वरूप बता रहे हैं, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, यह भी एक दर्शन निकलता है वेदों से। लेकिन दयानंद ने इस पर नाराज होकर के कहा कि हे सएव ईश्वरः अलम अनर्थ विचारेण, आप अनर्थ का विचार कर रहे हैं और आप इस तरह से सांख्य न्याय मीमांसा की चर्चा ला करके विषयांतर कर रहे हैं, यत प्रकरणम तद्वद।
ऐसा बहुत अक्खड़ भाषा में ही संस्कृत में बोल रहे थे कि जो प्रताड़ है उसको बोल, इस तरह की विषयांतर क्यों कर रहा है, इसी तरह का अनुवाद उसका होगा। तब स्वामी विशुद्धानंद जी ने उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, और हिंदी में संवाद उसमें अंकित है रत्नक्रम नंदिनी के दस्तावेज में, अरे बाबा तू कुछ पढ़ा नहीं, कुछ दिन पढ़। ये अब वो सन्या इतने बड़े योगी थे, वो इस तरह से बोल सकते थे। और दयानंद उनसे 2-3 साल उम्र में छोटे भी थे, 48 साल की उम्र थी स्वामी विशुद्धानंद की उस समय, दयानंद 45 साल के थे, और ये सब कम वयस्क थे। बाल शास्त्री तो 30 साल के थे, और बाल शास्त्री की ऐसी ख्याति थी 30 साल की उम्र में कि काशी में उनके जैसा कोई पंडित नहीं है, सब मानते थे, काशी नरेश मानते थे कि ऐसा तो कोई पंडित ही नहीं है। वेद लगातार बोलते चले जा रहे हैं, चारों वेद बोलते चले जा रहे हैं, शास्त्रार्थ कर रहे हैं, तो ऐसी सरस्वती उनके मुख पर विराजती थी, अद्भुत प्रतिभा उनमें थी। जो 8 साल के थे तब उन्होंने शास्त्रार्थ में चकित कर दिया था राजाओं को। तो ये जो उन्होंने थोड़ा सा एक अशिष्ट ढंग से कुछ कहा, तो दयानंद के लिए फिर एक जो नाट्य निर्देश आती पूरा नाटकी हो गया। तो प्रत्यक्रम नंदिनी में जो दस्तावेज है इसका उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है दयानंद के आगे, हस्तम बला दूरी कृत्य, उनका हाथ झटक करके दयानंद ने कहा कि भवता सर्वम पठितम, तुमने सब पढ़ लिया है। तो विशुद्धानंद ने हंस करके कहा कि हाँ हमने सब पढ़ सर्वम, ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। तो दयानंद ने पलट करके पूछा किम व्याकरणम, अभी व्याकरण भी पढ़ लिया है क्या? तो विशुद्धानंद जी ने कहा कि हाँ तदपि, वो भी पढ़ लिया है। तो व्याकरण तो गिरिजानंद सरस्वती से जिसने अष्टाध्यायी पढ़ी हो उसका अधिकार और आत्मविश्वास एक अलग तरह का होगा। तो विशुद्धानंद सरस्वती व्याकरण के आदमी नहीं थे, जानते थे, इसलिए उन्होंने पूछा कि व्याकरण भी जानते हो क्या? तब विशुद्धानंद जब कहा कि हाँ व्याकरण भी जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि कर्म संज्ञा किस सूत्र से होती है ये बताओ, ये उन्होंने पूछा। अब ये बहुत गूढ़ प्रश्न है, इसको कोई बता नहीं पाता है, वो कोई जानता भी नहीं था वहां, दयानंद जानते थे इसको कोई बता नहीं पाएगा। तो जब इस तरह से वितंडा हो रहा है, तो उन्होंने भी अपना एक व्यापन का सवाल कर लिया कि कर्म संज्ञा कैसे होती है बताओ। इस पर विशुद्धानंद उत्तर नहीं दे सके, इस पर इसके उत्तर में जो ठीक चल रहा है शायद डायरेक्टर साहब का वो माइक जो है वो म्यूट नहीं है, उसी से कुछ आवाज। अभी तक तो ठीक चल रहा था, अभी आप या तो चुप हो गए हैं या आपका माइक फेल हो गया। नहीं मुझे सुनाई दे रहा है डायरेक्टर साहब का। बलराम जी की मुखमुद्रा पर मुझे एकदम से बहुत चिंता दिखाई दी, तो इसलिए मैंने पूछा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। कुछ माइक्स जो है वो अपने माइक्स कृपया म्यूट कर लें, म्यूट कर लें जी, जिन जिन के माइक म्यूट नहीं हो म्यूट कर लें। और उसके बाद दो वर्जन्स हैं इसके जवाब में जो हुआ। आर्य समाजियों का कहना है कि विशुद्धानंद सरस्वती निरुत्तर हो गए, वो उत्तर नहीं दे पाए। बाल शास्त्री ने कुछ कहने का प्रयास किया लेकिन वो भी ठीक से नहीं बता सके, ऐसा आर्य समाजी वर्जन है। सनातनियों का वर्जन है कि बाल शास्त्री ने बहुत समीचीन उत्तर दिया जो उत्तर हो सकता था, और कुछ हद तक बात सही भी है। बाल शास्त्री ने कहा कि पातंजल महाभाष्य में कर्म संज्ञा पर विचार किया गया है, सूत्र उसमें नहीं बताया गया है, और उपहास की दृष्टि से पतंजलि भगवान पतंजलि ने कर्म शब्द पर विचार किया है। लेकिन दयानंद ने कहा कि आप जानते नहीं हैं, आप उस सूत्र किस सूत्र से संज्ञा होती है या नहीं बता पा रहे हैं। तो इस स्थिति पर शास्त्रार्थ पहुंचा, तब तक एक पंडित वहां जो है कोई पंक्ति निकाल करके लाए शास्त्र से कि ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है देवता यतनानि कंपन्ते देवता प्रतिमा असंति, ऐसा सामवेद ब्राह्मण में वाक्य आता है। तो देवता यतन मतलब मंदिर कांप रहे हैं और देवताओं की प्रतिमाएं हंस रही हैं, ऐसा इसमें मूर्ति का उल्लेख है, ये वाक्य तो आता है सामवेद ब्राह्मण में। दयानंद ने कहा कि हाँ ये वाक्य आया है, इसमें मूर्ति का उल्लेख भी है लेकिन मूर्ति पूजा का विधान नहीं है, और इस श्लोक में मूर्ति पूजा का विधान नहीं है, जो वर्णन है यह ब्रह्मलोक का वर्णन है। बाल शास्त्री ने इसको स्वीकार नहीं किया कि आपकी व्याख्या हम स्वीकार नहीं करते, ब्रह्मलोक का वर्णन नहीं है, इस श्लोक का ही वर्णन है। इस पर मतभेद था। इस तरह से शास्त्रार्थ बहुत बहुत उलझन के रास्ते पर ये चल रहा था। दयानंद ने फिर एक जब बार बार पंडित कहने लगे कि आप पुराणों को प्रमाण मानिए, पुराणों को अप्रमाण मानने में क्या तर्क है, तो एक तर्क दयानंद ने यह दिया कि पुराणों में म्लेच्छ भाषा को का व्यवहार किया जा सकता है, इस पर निषेध है कि म्लेच्छ भाषा का व्यवहार नहीं करना चाहिए, वेदों में इस तरह का निषेध नहीं है, इसलिए पुराण प्रमाण नहीं हमारे लिए है, क्योंकि वेद में जो कुछ विधान है उसको भी स्वीकार सब पूरी तरह से नहीं करते। इस पर बाल शास्त्री ने किसी ब्राह्मण ग्रंथ का एक वाक्य उद्धृत किया कि म्लेच्छित वही नाप भाषित वही, ऐसा ब्राह्मणों में आता है। संदर्भ उन्होंने नहीं दिया क्योंकि सारे ब्राह्मण तो उनको याद नहीं थे, वेद चारों भले ही उनको याद हो।
तो ये वाक्य तो ब्राह्मण में आता है ऐसा उन्होंने कहा कि म्लेच्छ भाषा को न बोला जाए ऐसा किसी ब्राह्मण में है। तो दयानंद ने कहा कि आप ग्रंथ बताइए, जो मैं कह रहा हूँ कि आप टेक्स्ट लाकर के मुझे बताइए कि किस ब्राह्मण में कहाँ ये आता है। तो टेक्स्ट तो नहीं था, ब्राह्मण के एडिशंस वहां नहीं थे, ये तर्क जो है नहीं ठहर सका। दयानंद ने फिर अपनी तरफ से कहा कि छांदोग्य उपनिषद में पुराण शब्द का जिक्र आता है लेकिन वो ग्रंथ के अर्थ में नहीं आता, पुराने के अर्थ में आता है, प्राचीन के अर्थ में आता है, इसलिए वेदों में पुराणों को प्रमाण नहीं माना गया। पंडित लोग कह रहे थे कि वेदों में स्वयं पुराण का उल्लेख है, पुराणों को प्रमाण माना गया है। छांदोग्य उपनिषद का एक वाक्य दयानंद ने यहाँ उद्धृत किया कि ऋग्वेदम विजानाति इतिहास पुराणम विजानाति इत्यादि। तो इसमें पुराण शब्द विशेषण के रूप में यहाँ आया है, ग्रंथ के विशेष के रूप में नहीं आया। पंडितों ने इसका प्रतिवाद किया कि नहीं, पुराण शब्द ब्राह्मण ग्रंथों में और वैदिक संहिताओं में एक टेक्स्ट के अर्थ में भी आया है। दयानंद ने आग्रह किया कि टेक्स्ट के अर्थ में नहीं आया है और मैं जो वाक्य उद्धृत कर रहा हूँ उसमें विशेषण है, आप लोग देख लीजिए। तब पंडितों ने कहा कि नहीं, आपको गलत याद है। पंडितों ने तब दयानंद ने कहा कि आप लोग लिखिए मैं जो बोल रहा हूँ कि ये वाक्य है, इतिहास पुराण इत्यमेव पाठ नोचेत मत पराजय अन्यथा युष्माकम पराजय इति लिख्यताम। आप लोग लिखिए कि जो वाक्य बोल रहा हूँ यही वाक्य टेक्स्ट में है, अगर ये नहीं है तो मैं हार मान लूंगा और अगर है तो आप लोग हार मान लेंगे। सनातनियों ने इसके आगे क्या हुआ इस पर कुछ नहीं कहा है। आर्य समाजियों का लेखामादि का वर्जन यह है कि दयानंद जी के आग्रह पर एक कागज पर यह वाक्य लिखा गया जो उन्होंने बोला। दयानंद जी छांदों की उपनिषद अपने पास रखे हुए थे, वहां अपनी जिस कोठी में वो रुके थे उन्होंने छांदों की उपनिषद अपने कमरे से मंगवाया, उसको खोलकर उन्होंने वाक्य बताया। उस एडिशन में यही वाक्य छपा हुआ था जो बोल रहे थे। ये आर्य समाजियों का वर्जन है और लेखराम जी ने इस पर बहुत निंदा की है सनातनी पंडितों की। इसके बाद एक माध्वाचार्य जो पंडित थे, जब पंडित लोग समझ गए कि दयानंद बार बार आग्रह करते हैं कि ग्रंथ बताइए, तो माध्वाचार्य पंडित इस मामले में कुछ फुर्तीले थे, वो कहीं आसपास से जाकर के कोई पोथी के दो पत्रे उठा करके लाए और वो पत्रे बताते हुए उन्होंने कहा कि इसमें इष्टापूर्त शब्द का प्रयोग है ब्राह्मण ग्रंथों में। इष्टापूर्त तो वेदों में नहीं बताया गया, पुराणों में ही बताया गया है, इसलिए वेदों की दृष्टि से पुराणों को उनका उपब्रह्मण माना जाना चाहिए, एक्सटेंशन माना जाना चाहिए वेदों का और पुराणों को प्रमाण माना जाना चाहिए। तो दयानंद ने कहा कि ये उद्धरण कहाँ है, इसका हमको उल्लेख बताइए। तब वो दोनों पत्रे उन्होंने दयानंद के सामने, दोनों पन्ने दयानंद के सामने रख दिए। दयानंद ने विशुद्धानंद जी से कहा कि आप पढ़कर बताइए क्या लिखा है इसमें, कौन सा ब्राह्मण है। विशुद्धानंद जी ने कहा कि मैं चश्मा नहीं लगाए हुए हूँ, आप स्वयं पढ़ लीजिए, ऐसा कहकर के उन्होंने दोनों पत्र दयानंद के सामने रख दिए। ये तब तक 6:30 लगभग बज रहा होगा या 7:45 बज रहा होगा, क्योंकि 7 बजे तो ये सारा खेल खत्म हो गया और ये नवंबर का महीना था, अंधेरा फिर आया होगा और दिया वहां जल रहा था। एक आर्य समाजी वर्जन में बताया गया कि दिए के लिए जो तेल था उस दिन वो काशी नरेश के द्वारा उसका प्रावधान किया गया था, जिस तरह से उन्होंने बहुत पहले आठाना बांध दिया था रोज उनके लिए डेली वेज, उस तरह से उस दिन अगर अंधेरा हो गया तो दिया किसके तेल से जलेगा, तो काशी नरेश ने उसके तेल की व्यवस्था उन्होंने कराई थी। तेल शायद पर्याप्त तो नहीं था ऐसा लगता है, तो दिया जल रहा था और उसकी रोशनी में, उसकी मंद रोशनी में, दयानंद की तो दृष्टि तेज थी तो उतनी मंद रोशनी में वो पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। आर्य समाजियों के वर्जन में यह है कि उस दीपक की मंद आलोक में स्वामी जी जो पत्रे माध्वाचार्य ने प्रस्तुत किए उनको पढ़ने का प्रयास कर रहे थे, उसमें पढ़ने में उनको थोड़ा समय लग रहा था। तब तक सनातनियों की ओर से शोर शराबा होने लगा कि हो गया हो गया, दयानंद जी हार गए। स्वामी विशुद्धानंद जी ने कहा कि उठिए, काशी नरेश ने भी कहा कि हाँ आप उठ जाइए, हो गया, अब कोई मतलब नहीं है इसके आगे बहस करने का। जब विशुद्धानंद जी उठ खड़े हुए तो ये आर्य समाज का वर्जन है कि दयानंद जी ने उनका हाथ पकड़ते के कहा कि बैठिए, अभी शास्त्रार्थ समाप्त नहीं हुआ। विशुद्धानंद जी ने उत्तर दिया कि आपकी तरफ से समाप्त नहीं हुआ होगा, आप बैठे रहिए, हमारी तरफ से तो शास्त्रार्थ समाप्त हो गया और निर्णय भी हो गया। ऐसा कहकर के जब स्वामी विशुद्धानंद उठ खड़े हुए, काशी नरेश उठ खड़े हुए, बाकी पंडित भी उठ खड़े हुए और कोहराम सा एक तरह से वहां मच गया और दयानंद की पराजय के नारे एक तरह से वहां लगाए जाने लगे। ये आर्य समाजी वर्जन है। तो इस पर बहुत ही निंदा एक तरह से पंडित लेखराम ने की है, जो कुछ वहां पर घटित हुआ सनातनियों की ओर से। और उसके बाद जो कोतवाल थे रघुनंदन प्रसाद, जो वहां खड़े हुए सारा ये सब नाटक देख रहे थे,
ये आर्य समाजियों की वर्जन में आता है कि वो महाराजा के पास गए और उन्होंने कहा कि ये तो आपने अच्छा नहीं कराया, ये तो अच्छा नहीं हुआ, और जो मर्यादा थी उसका पालन नहीं आपकी ओर से किया गया, मैंने जो कुछ व्यवस्था बनाई थी वो भी टूट गई और इस तरह से दयानंद जी को घेरा गया, ये तो सब ठीक नहीं हुआ है। तो काशी नरेश ने रघुनंदन प्रसाद जो कोतवाल थे उनसे कहा कि देखो तुम भी सनातनी हो, हम भी सनातनी है, और किसी तरह से सन्यासी को हराना है। यह भी उन्होंने कहा, यह आर्य समाजी वर्जन है, कि जिस तरह से कर्ण को पराजित किया था श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने, उस तरह से किसी भी तरह से इनको पराजित करना आवश्यक है, क्योंकि सनातन धर्म की विजय का प्रश्न है। तो ये स्वामी जो है बहुत ही तेज है, इसको इस तरह से हराया और किसी तरह से हराया नहीं जा सकता था, तो अब हमने मान लिया कि ये पराजित हो चुके हैं, अब हम इस विजय का अच्छा उत्सव मनाएंगे, यह कहकर के काशी नरेश वहां से रवाना हुए। ये आर्य समाजी वर्जन है, सनातनियों ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। उनका वर्जन यही तक है कि स्वामी जी उत्तर नहीं दे पाए, जो पत्र उनके सामने रखे गए उसको पढ़ते हुए वे रह गए, और तब तक दयानंद जी, तब तक सनातनियों की विजय की घोषणा करा दी गई। ये सनातनियों का वर्जन है। उसके बाद जो थोड़ी सी घटनाएं हैं उन पर मैं 5 मिनट में प्रकाश डाल के आगे बढ़ूंगा। एक तो अगले ही दिन बाल शास्त्री तथा अन्य पंडितों के हस्ताक्षर के साथ में एक डिक्लेरेशन घोषणा पत्र जारी किया गया कि कल जो शास्त्रार्थ हुआ है उसमें दयानंद पराजित हुए हैं। उसके बाद 2 पुस्तिकाएं छप करके वितरित होने लगी, दयानंद पराभूति मतलब डिवेकल ऑफ दयानंद, और दुर्जन मत मर्दन दुष्ट के मत का मर्दन, इस नाम से पुस्तिका दयानंद के खंडन में सनातनियों की ओर से छाप करके काशी में बांटी जाने लगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि युग पुरुष हैं, हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक साहित्यकार हैं, उन्होंने दूषण मालिका नाम से पुस्तक लिखी, प्रतिमा पूजन विचार नाम से भी पुस्तक उन्होंने लिखी, और उनका अपना प्रेस था ही, अपनी पत्रिका छापते थे, उन्होंने पुस्तिकाएं छापी। उस समय काशी में जगह जगह पोस्टर लगाए गए जिनमें कहा गया कि दयानंद जी को पराजित कर दिया गया है और अब से उनके प्रवचन सुनने कोई नहीं जाएगा, जो उनके प्रवचन सुनने जाएगा वो पाप का भागी होगा। लेकिन जो दूसरे वर्जन्स हैं, जो दूसरे रूप में इसके बयान हैं इसको लेकर के, वो ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका में छपे, उसी साल हिंदू पेट्रियट अंग्रेजी अखबार था उसमें प्रकाशित हुए। आर्य समाजियों की ओर से बहुत सारा साहित्य इस घटना को लेकर के प्रकाशित हुआ, दयानंद जी की ओर से भी। काशी शास्त्रार्थ उन्होंने अगले महीने प्रकाशित कर ही दिया, जिसमें पूरा का पूरा जो कुछ घटा उसका पूरा बयान था ही। तो यदि कहीं भी दयानंद जी के मन में यह बोध होता कि मुझे तो शिकस्त दे दी गई है, तो उसके बाद वो एक महीने काशी में अविजय के रूप में नहीं रुके रहते, ये तो रिकॉर्ड है। 3 महीने काशी में रुके दयानंद, सितंबर के महीने में आए थे, अक्टूबर नवंबर में वो रुके, उसके बाद एक महीने तक वो रुके रहे और बराबर प्रवचन देते रहे, ये तो रिकॉर्ड है। जो उनकी यात्राओं के पूरे जो विवरण है उनकी जीवनियों के, उसमें रिकॉर्ड है। तो यह तो कहना ठीक नहीं है कि पराजित वो हुए और पराजय उन्होंने स्वीकार कर ली। हालांकि बड़े जोर शोर से घोषणा की गई काशी नरेश की ओर से, सनातनियों की ओर से, पूरे बनारस में सनातनियों की विजय का डंका बजाया गया, लेकिन स्वामी जी तो रुके हुए हैं और अपने प्रवचन बराबर दे रहे हैं उसी बनारस में जिसमें उनकी पराजय की घोषणा की जा रही है, और लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, उनको रोका नहीं जा सक रहा है। तो इतना कुल विवरण मेरे सामने है, उसके जो रिपरकशंस हैं उन पर थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा। एक तो इसका परिणाम यह हुआ कि दयानंद जो थोड़े से शेकी थे शास्त्रार्थ के आरंभ होने के पहले, क्योंकि काशी के पंडित जितने धुरंधर पंडित थे वो जानते थे, तो उनका आत्मविश्वास मुझे लगता है कि बड़ा, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इसके बाद ही तो वो आर्य समाज की स्थापना करते हैं। आर्य समाज की स्थापना तो 1875 में बंबई में दयानंद ने की, और इसके बाद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में अपने भाषण वो दे रहे हैं, पूरे भारत में निरंतर घूम रहे हैं उसके बाद दयानंद, और किस किस शहर में वो नहीं जा रहे हैं, उनकी जो यात्रा के रिकॉर्ड हैं आप देखिए कि अपने जीवन के अंतिम वर्ष में वो सतारा जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जा रहे हैं, जालंधर जा रहे हैं, अल्मोड़ा जा रहे हैं, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में वो जा रहे हैं, हरियाणा में वो जा रहे हैं, पंजाब के बहुत सारे शहरों में वो जा रहे हैं। पाखंड खंडन जो उनकी 1866 में किताब निकली थी, उसके बाद उनकी कई पुस्तिकाएं हिंदू धर्म के जो अनेक मत मतांतर हैं उनके खंडन में एक के बाद एक आती हैं। अद्वैत मत का खंडन उनकी हिंदी में पुस्तिका आ जाती है, वल्लभाचार्य के मत का खंडन 1875 में उनकी पुस्तिका आ जाती है, सत्यार्थ प्रकाश जो बहुत महाग्रंथ है आर्य समाज का, एक तरह से बाइबिल है, वह उसके बाद ही आता है। तो ये दयानंद अपने अपने अभियान को बहुत तेजी दे देते हैं और पूरे एक बड़े नक्षत्र के रूप में इस काशी शास्त्रार्थ के बाद वो उभरते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक परिणाम उसका ये हुआ। सनातनियों को भी शायद
इतना सब कुछ जो हो गया, और शास्त्रार्थ में तो कई तरह की ट्रिक्स अपनाई जाती थी, पंडित लोग अपनाते थे, वो वेद अपनी तरफ से बनाकर के मंत्र पढ़ देते थे, यह भी सब होता था, क्योंकि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, ऐसा शास्त्रार्थ को एक युद्ध की तरह होता था। तो उसमें जो तर्क लिया जाए, कभी छल जाति निग्रह स्थान जो मैंने अपनी किताब में बताए हैं, वो कैसे व्यवहार उनका होगा शास्त्रार्थ में, यह सब हमारे न्याय दर्शन में बताया गया। तो अपने मत को अपने धर्म की विजय के लिए यदि छल का प्रयोग करना पड़ा तो करना चाहिए, सब पंडितों ने उसमें कर लिया और किसी तरह विजय भी घोषित अपनी करा दी। लेकिन शायद कहीं भीतर यह बोध तो होगा ही कि जो अटल अडिग बने रहे स्वामी दयानंद, और जो आग्रह वो अपने पक्ष का करते रहे, वो एक चुनौती है। और शायद कहीं ये चुनौती सनातनियों में जो जानकार पंडित थे उनके भीतर रही होगी। तो बहुत लोकप्रिय ढंग से जय जयकार लगाने की दृष्टि से जो कुछ कहा जाए वो एक तरफ है, दयानंद के विरोध में बहुत सारी सामग्री, बहुत इस तरह की सामग्री प्रकाशित हुई जिसको कि अनर्गल भी कहा जा सकता है, और उसका ब्यौरा बहुत दुख के साथ में खेद प्रकट करते हुए पंडित लेखराम आर्य ने अपनी अपने ग्रंथ में दिया है कि क्या क्या उनके बारे में नहीं कहा जा रहा है, यह सब भी हुआ। और बहुत कुछ दयानंद के विरोध में कहा गया, कुछ विवरण मैंने अपनी जो पुस्तक संस्थान ने, इंस्टीट्यूट ने छापी है, उसमें दिया है कि कितने कितने ग्रंथ दयानंद के खंडन में सनातनियों की ओर से लिखे गए, और कितने शास्त्रार्थ उनके बाद हुए। पंडित भीमसेन शास्त्री सनातनियों की ओर से शास्त्रार्थ कर रहे हैं, पंडित ज्वाला प्रसाद शास्त्रार्थ कर रहे हैं, उनका उत्तर पंडित तुलसीराम दे रहे हैं, एक के बाद एक बहुत शास्त्रार्थ हो रहे हैं, और एक के बाद एक किताबें आ रही हैं दयानंद के पक्ष में भी और दयानंद के खंडन में भी। और बहुत बड़ी लंबी परंपरा है, कम से कम 100-150 ग्रंथ लिखे गए, पत्रिकाओं में लेख छपे, जो सरस्वती पत्रिका है महावीर प्रसाद द्विवेदी की, उसमें कई रिव्यूज हैं इस तरह की किताबों के, दयानंद के पक्ष और विपक्ष दोनों में आ रही हैं। अगर उस समय के सरस्वती के अंक देखे जाएं 1910-1912 के आसपास के, तो मुझे ऐसा लगता है कि 19वीं-20वीं शताब्दी की विभूतियों में कदाचित महात्मा गांधी को छोड़ करके इतने ज्यादा समर्थन और खंडन में किसी पर साहित्य नहीं लिखा गया होगा, और इतना ज्यादा पब्लिक प्लेटफॉर्म से कदाचित नहीं कहा सुना गया होगा जितना कि दयानंद को लेकर के कहा गया। अकेले कदाचित महात्मा गांधी अपवाद हैं, बहुत ज्यादा वैचारिक जगत में उथल पुथल हुई दयानंद को लेकर के। और ये जो चुनौती आर्य समाज एक बड़े आंदोलन के रूप में जो चुनौती बनकर के खड़ा हो गया पूरे सनातनी समाज के सामने, उसका सामना करने के लिए भी उनको अपनी रणनीति बदलना पड़ी, ऐसा मुझे लगता है। तो ये बहुत सारे उल्लेख में छोड़ देता हूँ कि कहाँ कहाँ दयानंद जा रहे थे और किस तरह से उनके भाषण उस शहर में उसी दिन छप जाते थे। जैसे पूना में मैं रहा तो पूना में मुझे एक अखबार के बहुत पुराने अंक मिले जो रोज छपता था, दयानंद ने आज भाषण में क्या कहा है। उन्होंने एक महीने प्रवचन दिए पूना में रह करके, और 30 दिन के 30 अंक उसके छपे हैं जिसमें कि उनके एब्स्ट्रैक्ट उस पत्रिका में रोज निकल करके अगले दिन बांटे जा रहे हैं। फिर उनके 15 व्याख्यानों का संग्रह पूना से ही उपदेश मंजरी नाम से छप गया। तो सत्यार्थ प्रकाश के खंडन में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, वैदिक सत्यार्थ प्रकाश अखिलानंद शर्मा का, दयानंद तिमिर भास्कर पंडित ज्वाला प्रसाद का, दयानंद सरस्वती मुख चपेटिका, दयानंद सरस्वती के मुंह पर तमाचा इस नाम से किताब लिखी गई, इस तरह की बहुत सारी किताबें, पुस्तिकाएं और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह के डिबेट्स बहुत ज्यादा हुए, उनमें बहुत सारे नाम हैं और बड़े बड़े पंडित उनमें हैं। ये परंपरा शायद 20वीं शताब्दी तक आई दयानंद का क्रिटिक करने की, कि नामवर सिंह ने भी कहा है उन पर कुछ, और वीर भारत तलवार ने भी किताब लिखी है जो हमारे समय के समीक्षक हैं उन्होंने। तो यह जो एक चुनौती दयानंद ने दी थी उसके दो परिणाम हुए, एक तो सनातनियों के समाज में, एक तो उन्होंने अपने आप को उसी स्तर पर संगठित करने का प्रयास किया जिस स्तर पर आर्य समाज अपने आप को संगठित कर रहा था। किस लेवल पर जाकर के दयानंद संस्थाएं बना रहे थे, अद्भुत संगठन क्षमता उनमें, क्या क्या वो कर रहे थे, अपनी किताबें किस तरह से छपवा रहे थे, किस तरह से वितरण करवा रहे थे, किस तरह से हर शहर में अपनी शाखा आर्य समाज की कायम कर रहे थे, किस तरह से कन्या गुरुकुल वो बना रहे थे, संस्कृत पाठशालाएं वो आर्य समाज की पद्धति की कायम कर रहे थे हर शहर में जाकर के। बाद में तो डीवी कॉलेजेस और आर्य कन्या गुरुकुल बहुत सारे उनके समाज की ओर से बनाए गए थे। इसकी नींव जो दयानंद ने डाली, सनातनियों ने भी, श्रद्धा राम फुल्लेरी हुए पंजाब में, उन्होंने सनातन धर्म रक्षिणी सभा बनाई और उसी स्तर की संस्थाएं उन्होंने कायम करने का प्रयास किया। और वैचारिक स्तर पर जो काशी के बड़े पंडित थे, उन्होंने जो आर्य समाज एक चुनौती खड़ी कर रहा था विचारों के विश्व में, उसका सामना करने के लिए अपनी ओर से तैयारी की। तो एक ग्रंथ मुझे मिला जो कि अद्भुत ग्रंथ है,
उमापति द्विवेदी का, पंडित नक्षेद राम के नाम से वो जाने जाते, मूल नाम उनका यही था। सनातन धर्मोद्धारा उनका एक ग्रंथ है, 1500 पृष्ठों का ग्रंथ है, 3 खंडों में। पंडित मदन मोहन मालवीय ने उसकी भूमिका संस्कृत में लिखी है, संस्कृत में पूरी किताब है। और इतना बड़ा ग्रंथ पूरे हिंदू धर्म की परंपराओं की नापजोक करते हुए, नया शास्त्र, नया धर्मशास्त्र लिखते हुए, और आधुनिक समय तक, 20वीं शताब्दी तक हिंदू समाज किस रास्ते पर आकर के खड़ा हुआ, उसके सामने क्या चुनौतियां हैं, इस पर विचार करते हुए एक बहुत बड़े पंडित के द्वारा इतना बड़ा ग्रंथ लिखा गया। तो उसमें 74 पृष्ठों के एक खंड में उन्होंने वेबर और मैक्स मुलर के मत की समीक्षा की है, जो म्लेच्छ विचारक, पाश्चात्य विचारक जो कह रहे हैं हमारे वेदों के बारे में, उसकी उन्होंने समीक्षा की है। और 124 पृष्ठों में वेद वैनाशिक विचार नाम से उन्होंने दयानंद के मत की समीक्षा की। वेद वैनाशिक उन्होंने दयानंद को कहा है, दयानंद का नाम उन्होंने कहीं नहीं लिया, उसमें उन्होंने सर्वत्र उनको वेद वैनाशिक कहा है। और एक एक जो दयानंद की व्याख्याएं हैं उनको लेकर के उनको जबरदस्त तर्क के द्वारा उन्होंने काटने की कोशिश की है कि जो दयानंद की एग्जेजेसिस है, जो दयानंद की व्याख्याएं हैं, वो सही नहीं है। वो नक्षेद राम उमापति द्विवेदी बहुत बड़े वेदांती थे, शांकर भाष्य के अनुसार उन्होंने खंडन किया दयानंद के मत का। तो जो विचारों की लड़ाई थी वह एक, उसका एक सिलसिला आगे बढ़ता है और कहीं कहीं संवाद टूटता भी है। तो यह जो एक वाद हुआ, बहुत बड़ा वाद हुआ, वो किस सीमा तक संवाद में परिणत हुआ, कदाचित एक सीमा तक तो संवाद का सिलसिला उससे बना, उस वाद के द्वारा, और एक सीमा तक संवाद बुरी तरह से लड़खड़ाता भी है और टूटता भी है, क्योंकि दोनों पक्षों की अपने अपने पूर्वाग्रह हो जाते हैं। और यह जो एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती थी, एक जो साझेदारी हो सकती थी दोनों में, दोनों के अपने अपने विचार हैं, दोनों की अपनी अपनी व्याख्या पद्धतियां हैं, तो एक दूसरे का आदर तो कर ही सकते थे, एक दूसरे के प्रति एक समझ तो विकसित की ही जा सकती थी, वह कदाचित नहीं हो पाई। तो मैं समझता हूँ कि इतना ही कह करके मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ, और इसके बाद यदि और कुछ शेष बचेगा, मुझे स्मरण आएगा, तो प्रश्नोत्तर के क्रम में मैं कहने का प्रयास करूँगा। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने इतने धैर्य से यह मेरी बात को सुना, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे ख्याल से बलराम जी प्रश्नोत्तरी का संचालन करेंगे, लेकिन मेरे मन में एक दो जो विचार आए वो मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये कि क्या दयानंद जी के अपने विचारों में कुछ परिवर्तन आता है इस वाद विवाद के कारण? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं याद आ रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश के भी नए भविष्य निकलते थे तब वो बदलते थे चीजों को, मतलब अपने मतों को। तो मुझे ये लग रहा है कि पहले, जैसे आर्य समाज की स्थापना के पहले और इस शास्त्रार्थ के पहले, शायद दयानंद जी का रवैया थोड़ा सा लचीला था। जैसे कि उनको लगता था कि भागवत पुराण ठीक नहीं है क्योंकि उसमें रासलीला है, कई चीजें हैं, लेकिन देवी भागवत पुराण को वो सही। तो इसलिए मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि बाद में जब आपने गांधी जी का भी जिक्र किया, तो गांधी जी को भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था, मगर वो ये कहते थे कि जो हिंदू हैं उसकी मूर्तियों में आस्था है या इस प्रकार की पूजा में आस्था है तो मैं उसको अस्वीकार नहीं करूँगा। तो कहीं गांधी जी दोनों को मिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उनकी खुद अपनी जो परंपरा है गांधी जी की, पुतली बाई से जो उनको मिलता है वो प्रणामी वहां से आते हैं वो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब जैसे कहीं मैंने ये भी पढ़ा है कि जैसे दयानंद जी एक बहुत दबंग विवादी थे, तो किसी ने उनको डराने के लिए एक सांप फेंक दिया उन पर, तो उन्होंने सांप को पकड़ के निचोड़ा और कहा देखो तुम्हारा देव जो है, शायद विष्णु या शिव, पता नहीं किसका उन्होंने जिक्र किया था उनके प्रतिवादी ने, चलो वो मेरे जितना तेज नहीं है, मैंने तुम्हारे सांप वो जो अस्त्र है उसको भी पकड़ के कुचल दिया। और बाद में जाके जैसे उनको जहर दे के उनकी मतलब बहुत निर्मम हत्या की जाती है, दूध में कांच की जो वो पीस करके मिलाया जाता है, वो मरते मरते भी उसको क्षमा करते हैं उस कोर्टिसन को, और उसको कहते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी, राजपूताना में ये घटना होती है। और दूसरी तरफ जैसे स्वामी श्रद्धानंद की कत्ल होती है, जो वहीं चांदनी चौक जामा मस्जिद के वो जहाँ पे वो
सीढ़ियों पे है, तो मैं ये पूछना चाह रहा था इन सबको मिला करके कि जो आपने कहा था कि संवाद से हम जो अलगाव है और जो अलग अलग मत है उनको सुलझा सकते हैं, लेकिन उसके भी लिमिट्स होते हैं। मतलब सिर्फ जो मान के चलते हैं कि संवाद के जरिए हम चीज़ों को सुलझा सकते हैं, वहाँ तक ही तर्क काम करेगा। और जब सनातनियों में और आर्य समाजों में ही ये फेल हो गया, तो दूसरे संप्रदायों के साथ ये कैसे सक्सीड होगा? बस मैं इतना ही कहूंगा, और इसके पश्चात आप बलराम जी आप प्रश्नोत्तरी का संचालन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक मिनट में मकरंद जी ने जो कहा है उस पर कह दूं थोड़ा सा। जी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मैं असल में कहना चाहता था, तो आपने मेरी बात कह दी है। और आपने बहुत ठीक कहा कि दयानंद जी अपने आप को रिवाइज करते करते आ रहे हैं अपने पूरे कैरियर में, वैचारिक संसार में कई बार उन्होंने अपने आप को संशोधित किया। तो अब दिक्कत आती है जब आर्य समाज एक डोगमा जैसा बन जाता है वहां, और उनके विचारों पर वो दृढ़ हो जाते हैं उनके सारे अनुयायी, तो वो स्वयं अब दयानंद की जो एक छवि बन गई है उसमें अब कोई परिवर्तन चाहेंगे नहीं कि वैसा कह दिया जाए। जैसे कि आपने कहा कि वो सत्यार्थ प्रकाश का जो पहला संस्करण है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनको की निकाल दिया गया, और वो उनके अनुयायियों ने ही सुझाया था कि आप इसे हटा दीजिए, नियोग की आप बात कर रहे हैं इसे तो हल्का मच जाएगा, आप ये क्या कहते हैं कि विधवा के साथ ये नियोग करा दो और ये करा दो। तो उन्होंने संशोधन किए, अब कहीं भी हमको वो पहला संस्करण नहीं मिल सकता। मैंने कोशिश की कि मुझे वो पहला संस्करण मिल जाए, तो मुझे पता चले कि क्या क्या उन्होंने अपने आप किस तरह से रिवाइज किया। तो जो एक प्रामाणिक संस्करण मान लिया गया है उसी को सर्कुलेट किया जाता है, कोशिश की जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि पिछले संस्करण मिल जाए कहीं उसके, तो ये दिखाया जा सके कि दयानंद की एक एक जो छवि है निरंतर अपने आप को रिवाइज करने की, ये जो उनकी लचीली छवि है कहीं सामने ना आए, उनकी एक जो प्रतिमा एक रिजिड प्रतिमा है उसके खोल में आर्य समाज ने अपने आप को सीमित किया, कदाचित यह हुआ सनातनियों की तरफ से भी ऐसा हुआ, तो ये दिक्कत आई। और इसलिए जो 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 एक तरह से लचीलापन था और जिसके कारण संवाद हो सकता था, जो जो गांधी जी कर सके, वो आर्य समाज और दयानंद में कदाचित नहीं हो पाया, ऐसा मैं समझता हूँ। जी, काशी शास्त्रार्थ के सांगोपांग विवेचन और उसकी पृष्ठभूमि और उसके बाद पर बाद जो सनातन और आर्य समाज दोनों पर प्रभाव पड़ा, उस पर आचार्यवर ने बहुत ही सांगोपांग और सुंदर विवेचन प्रस्तुत किया। प्रश्नोत्तर प्रारंभ हो गया है, उसकी श्रृंखला प्रारंभ हो गई है। मैं आदरणीय अध्येताओं से ये प्रार्थना करूंगा कि वो अपने प्रश्न उपस्थापित करें, समय बहुत कम है इसलिए एक प्रश्न और बहुत ही स्पष्ट तरीके से रखा जाए। आप बलराम जी? जी जी, आपके हाँ या डॉक्टर एस के चहल साहब पूछ रहे हैं प्रश्न। हाँ, कृपा करके आप प्रश्न उपस्थापित करें। बलराम जी, इधर आप बोलिए, हो सकता है बीच में थोड़ा सा टूटा हो, प्लीज बोलिए। चहल साहब, हेलो, बोल नहीं पा रहे तो लिख के चैट के थ्रू भेज दे सवाल। हाँ, आप कृपा करके लिख दीजिए, उसके बाद हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। Am I audible? हाँ, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। Yes. एक बात पूरी करता हूँ। हाँ, संक्षेप में। हाँ, जी। आप प्रोफेसर त्रिपाठी, आपने बताया कि सनातनी परंपरा और आर्य समाज की परंपरा एक दूसरे से अलग अलग चली गई। लेकिन मैं और हिस्टोरिकली जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जब 20वीं शताब्दी में जाते हैं ना, खासकर हरियाणा पंजाब के कंटेक्स्ट में, तो यहाँ लाला लाजपत राय जैसे जो आर्य समाजी लीडर थे, ठीक, तो धीरे धीरे जो शुद्धि और संगठन का एजेंडा आगे बढ़ा रहे थे। उस प्रोसेस में हरिद्वार में एक मीटिंग हुई लोगों की, जो इनका कॉमनल एजेंडा है एक तरह से जिसको हम ये कहेंगे, तो उसमें सनातनी और आर्य समाजी लोग एक भी हो रहे थे। ये प्रोसेस चलता है 20वीं शताब्दी में, खासकर एंटी जो जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है या कुछ भी कह लीजिए कम्युनल पॉलिटिक्स,
उसका जवाब देने का जो एक दौर चला, तो उस समय ये दोनों एक भी हुए, मैं ये समझ करना चाहता हूँ। हाँ जी जी जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है और ये मुझसे छूट गई थी। तो ये तो सही है कि एक सीमा तक आर्य समाजियों में कुछ ऐसे प्रबुद्ध विचारक हुए, जैसे लाजपत राय का आपने बहुत ही अच्छा नाम दिया, उन्होंने भी दयानंद की जी हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज उन्होंने लिखी है, मैंने देखी, और उसमें उन्होंने दयानंद की जो कुछ अतियां हैं उनकी भी समीक्षा की है, उनकी आलोचना उन्होंने की है, जो एक्सट्रीम्स पर कहीं कहीं उस समय दयानंद जा रहे थे। तो ये और आर्य समाज के अनुयायी तो लाजपत राय थे ही, और बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे, तो ऐसे मंच बनाए गए और उन पर एक संवाद का प्रयास किया गया, ऐसा प्रयास बराबर हुआ, ये मैं अपने आप को संशोधित करता हूँ, स्वीकार करता हूँ इस बात को, बहुत धन्यवाद जी। अगला प्रश्न, हाँ प्रोफेसर माधव हाडा जी, सर बताएं। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, मैं ये मुझे लगता है कि ये जो शास्त्रार्थ है कहीं साहित्य विनोद तक ही तो सीमित नहीं रह गए, क्योंकि मैं उत्तर राजस्थान के बहुत सारे ऐसे आर्य समाजी परिवारों को जानता हूँ जो सनातनी परंपरा में भी बने रहे और उन्होंने आर्य समाज की कुछ विधान अपना लिए। मुझे लगता है कि ये भारतीय समाज का, बल्कि भारतीय समाज का स्वभाव है कि ये जैसे सगुण निर्गुण विवाद है, उसका भी भारतीय जनसाधारण पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा, उसके लिए सगुण भी पूजनीय है और निर्गुण भी श्रद्धेय है। तो मुझे लगता है कि आर्य समाज और सनातनियों के बीच का ये विवाद केवल पंडितों तक सीमित रहा, जनसाधारण पर उसका कोई बहुत व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा, जनसाधारण के लिए दोनों ही पूजनीय और दोनों ही श्रद्धेय थे। एक दूसरा, हाँ। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो दयानंद सरस्वती में वैचारिक दृढ़ता है कि मैं ही सही हूं, उसको आप सकारात्मक अर्थ में लेते हैं या नकारात्मक अर्थ में लेते हैं? जी ठीक है, बहुत अच्छे अच्छी बातें आपने कही हैं, उसमें ठीक आप कह रहे हैं कि जो भारतीय जनमानस है उसके जो संस्कार हैं उससे वो दयानंद को भी पूज्य मानता है और उनके कुछ मत को एक सीमा तक स्वीकार कर लेता है, और जो सनातन धारा है उसमें तो रमा हुआ है ही, ये हुआ। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि जो आर्य समाज की ओर से बड़ी मात्रा में साहित्य प्रकाशित किया जाता है, उनके बड़े मंच हैं और उनकी पत्रिका है, तो अगर आप उसको नजरअंदाज उसको आप विचार नहीं करेंगे और केवल जो जो मध्यवर्गीय समाज है या जो भारतीय समाज है उसी की तरफ निगाह करके और बात कहेंगे तब तो ठीक है, लेकिन एक महत्व तो उसका भी होता है, जो लोग लीडर्स हैं आर्य समाज के, जो कर्ता धरता हैं और जो साहित्य वो प्रकाशित कर रहे हैं, संगठन उनके पास है, उस संगठन की ओर से जो कहा जा रहा है वो एक पक्ष है और उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। तो मैं उस साहित्य को देख करके, जो उनका साहित्य है उसमें किस प्रकार की रिजिडिटी इस समय बनी हुई है उनकी ओर से, यह भी मैं समझ रहा हूँ, इतनी बात मुझे कहना थी। दूसरी बात यह है कि मैं दयानंद जी का जो अडिग रहना है अपने विचारों पर, उसको मैं सकारात्मक रूप में ही लेता हूँ, क्योंकि इसके द्वारा वे कंट्रीब्यूट करते हैं पूरे पूरे हमारे भारतीय समाज को, पूरे राष्ट्र के उत्थान की दृष्टि उनके उस अडिग होने के पीछे है, समाज के उत्थान की एक दृष्टि उसके पीछे है, समाज को रूढ़ियों से मुक्त करने की चाह उनके भीतर है। तो यह जो एक उनके उसके पीछे उनका विजन है, एक स्वप्न दृष्टि है, उस स्वप्न दृष्टि को चरितार्थ करने के लिए यदि वो अडिग रहते हैं तो मैं उसको पूरी तरह से सकारात्मक ही स्वीकार करता हूँ। ये हो सकता है कि जो एक तरह की लचीलापन उनमें था वो उनके अनुयायियों के द्वारा उनकी जो छवि गढ़ी गई और उनके जीवन काल में ही उनकी जो छवि गढ़ ली गई थी, अपने जीवन काल में ही एक आभा मंडल उनके आसपास उनके निर्मित हो गया था, उसके कारण शायद वो उस रूप में लचीले नहीं बने रहे हों, पर जो जो उनका अडिग रहना है अपने विचारों पर वो पूरी तरह से मेरी दृष्टि में सकारात्मक है। थैंक यू सर। एक छोटी सी सूचना है,
बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं हो रही हैं और बहुत सारे प्रश्न विद्वानों के आने भी शेष हैं। अभी अगर ये एकेडमिक रिसोर्स ऑफिसर का ये कहना है कि अगर बीच में खंडित हो जाती है वार्ता तो उन्होंने लिंक भेजा है, हम फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वो हम डॉक्टर अंजलि दुहान से लेते हैं। अंजलि जी कृपया अपना प्रश्न पूछें। अंजलि जी आप हैं? हेलो। अच्छा बाद में वो पूछेंगी। प्रोफेसर हितेंद्र पटेल जी अपना प्रश्न कृपया करके पूछें। सर सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आपने एक तटस्थता के साथ इस पूरे प्रश्न को हम लोगों के सामने रखा। आप सुन पा रहे सर? जी धन्यवाद, सुन पा रहा हूँ जी। एक तटस्थता बहुत जरूरी थी इसमें, क्योंकि ये बहुत विवादित है और इस दोनों के पक्ष में बहुत लिटरेचर है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि ये जो बड़े लोग हैं जैसे दयानंद हैं या और भी लोग हैं, उनके उनका अपना बदलाव भी हुआ है बहुत कुछ। शुरू में एक स्थिति थी और वो एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई कि इस शास्त्रार्थ के बाद रिजिडिटी दोनों तरफ है। प्रश्न को पूरा कर लूं? ये प्रश्न ये इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि ये मुझे बहुत उपयोगी लगा, क्योंकि दयानंद की जो छवि है उस छवि दयानंद से श्रद्धानंद की जो यात्रा है उस यात्रा में आर्य समाज के भीतर बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। और जिस डायलॉग की आप आकांक्षा रख रहे हैं वो आकांक्षा श्रद्धानंद की भी थी। और इस कारण से हम लोगों को ये देखना चाहिए बजाय इस डिबेट में फंसने के कि वो कम्युनल हो गया या वो एंटी मुस्लिम था, क्योंकि वो एक अलग प्रश्न है, उसके संदर्भ दूसरे होंगे। प्रोफेसर परांजपे ने एक लिमिट ऑफ डायलॉग की बात की थी और मुझे लगता है कि आर्य समाज में आर्य समाज की जो एक नकारात्मक छवि बनी कम से कम 20 के दशक में, वो छवि आर्य समाज के अध्ययन में बाधक सिद्ध हो रही है। क्योंकि आर्य समाज के भीतर जो बदलाव हुए हैं उसकी पूरी समझ बाहर तक आई नहीं है। और मैं ये जानना चाहता हूं आपका अपना हिम्मत क्या है कि ये जो लिमिट है, ये जो डायलॉग की संभावना है, वो सनातनी और आर्य समाजी में भी रिजॉल्व नहीं हो पाई, और तमाम प्रयत्नों के बाद क्या ये कोई संभावना बन सकती थी 20 के दशक में, जबकि आर्य समाजी लोग हिंदू संप्रदाय के बाहर जाकर के इस डायलॉग को करना चाहते थे। तो मुझे लगता है कि ये कहानी जब दयानंद से श्रद्धानंद तक आती है तो जो ये डायलॉग है जिसकी तरफ आपका पूरा ध्यान है, मुझे लगता है यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप बना रहे हैं आ रहा है कि जब जब वाद संवाद में परिणत होता है तभी उसकी कोई ऐतिहासिक उसका ऐतिहासिक महत्व बनता है। इसलिए मैं आपका अपना मत जानना चाहता हूं कि ये जो प्रोग्रेशन हुआ है इसमें क्या और होता तो शायद डायलॉग हो सकता होता। जी आपने तो बहुत आगे मुझे सोचने के लिए सामग्री दी है, और दयानंद से श्रद्धानंद तक की यात्रा पर जो आपने बात की, मैं समझता हूं कि यात्रा तो अभी भी जारी है। और मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो कई पीढ़ियों से आर्य समाज से जुड़े रहे। उनके पितामह पक्के आर्य समाजी थे, उनके पिता दयानंद के साथ रहे और वो स्वयं आर्य समाज में काम करते रहे और वे बहुत अच्छे विद्वान है, ख्याति नाम विचारक है, लेकिन उनमें एक तरह का खुलापन है। जैसे कि लोगों को जानता भी था, एक तो हमारे बहुत अच्छे अग्रज मित्र थे वाचस्पति उपाध्याय जी, उनके तो पिताजी दयानंद के साथ उन्होंने काम किया, बड़े स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी थे और बड़े प्रखर आर्य समाजी थे, और उस परंपरा को लेकर के उपाध्याय जी चल रहे थे, लेकिन वो कितने खुले हुए थे यह मैं व्यक्तिगत परिचय से जानता हूँ। कुलपति रहे 15-17 साल वो वाइस चांसलर रहे, तो ऐसे कई लोग हमारे परिचय वृत्त में हैं जो कि कई पीढ़ियों से आर्य समाज में रहे, लेकिन इस समय उनमें एक तरह का खुलापन है। और ये असल में
वाद तो बड़ी जल्दी दिख जाता है क्योंकि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं, सामने आ जाता है, आप पत्रिकाओं में विवाद छेड़ रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, वो सामने आ जाता है, तो उस पर नजर जल्दी जाती है क्योंकि सतह पर जो हिलोर लेता है पूरा वो सामने आता है, और जो सतह के नीचे जो संवाद की प्रक्रिया चलती है वो कई बार इतनी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आती। मुझे लगता है कि दयानंद जब से ये शास्त्रार्थ उन्होंने आरंभ किया, काशी शास्त्रार्थ के पहले भी कुछ शास्त्रार्थ उन्होंने किए थे और बाद में भी करते रहे, उनके दौर से लगा करके और 21वीं शताब्दी में आज तक ये जो संवाद की अंतर्निहित प्रक्रिया है वो तो कहीं ना कहीं बनी हुई है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों से और वो लोग स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ आर्य समाज जो ये अपने आप को एक खोल में उसने बंद कर लिया वो तो अच्छा नहीं हुआ, और स्वयं आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, तो ये संवाद की एक अंतर्निहित प्रक्रिया है, वो अपेरेंट कई बार नहीं हो पाई क्योंकि ये स्वाभाविक होता है कि वाद और विवाद जितने अपेरेंट होते हैं, खुलकर सामने आते हैं, संवाद अंतर्निहित होते हैं और वो ज्यादा दूरगामी प्रभाव भी छोड़ते हैं, उनका महत्व इसलिए ज्यादा होता है कि वो अंतर्निहित रूप से भीतर से हमको तब्दीली हमारे में लाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने कहा कि भीतर कहीं ना कहीं बदलाव की प्रक्रिया बनी हुई है, मैं स्वीकार करता हूँ कि ये प्रक्रिया बनी हुई है श्रद्धानंद के बाद भी, और ये इसकी संभावना बनी हुई है, इसको मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ, मैं विश्वस्त हूँ कि ये संभावना तो अभी भी बनी हुई है हमारे समाज में और सनातनियों और आर्य समाजियों दोनों के बीच में भी, भले ही वो आपातः मतलब ऊपरी तौर पर एक दूसरे के सामने तलवारें लिए खड़े भी हों, चाहे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर या पत्रिकाओं में प्रकाशित सामग्री में, लेकिन भीतर ही भीतर कहीं एक संवाद की जो प्रक्रिया है वो जारी है। जी क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ मेरी बारी। थैंक यू। मैं बहुत अच्छा लगा आपके इस वक्तव्य को सुन के। इसमें खासकर मुझे जिसको मैं प्रत्यक्ष शास्त्रार्थ की जो भूमिका है संवाद बनाने में, उसमें मेरे रुचि बन रहा है और उसके संबंध में मेरे कुछ सवाल है कि इसमें, और मैं इसकी तुलना करना चाहता हूँ जो अप्रत्यक्ष यानी कि टेक्स्ट के माध्यम से जो शास्त्रार्थ हुआ था, इसमें एक खास इम्पोर्टेंस लगता है एक मध्यस्थ की भूमिका में, और इस पूरे प्रसंग में मध्यस्थ कौन था, और अगर काशी नरेश खुद मध्यस्थ थे, क्या वो कॉम्पिटेंट मध्यस्थ थे या कोई मध्यस्थ था ही नहीं, ये समझ में नहीं आया। दूसरा, इस पूरे विवाद में प्रिंट के बहुत जबरदस्त महत्व मुझे उभर रहा है और प्रिंट का यूज और मिसयूज दोनों इस पूरे प्रसंग में दिखता है, तो ये कैसे बाद में जब पूरा विवाद ही प्रिंट मीडिया में चले जाता है तो ये ट्रांजिशन क्या एक तरह से प्रिंट को लेके एक डिस्कम्फर्ट इस दौर में शास्त्रार्थियों के बीच में बन रहा मुझे दिख रहा है। तीसरा, जो मेरे दो और छोटे प्रश्न थे कि दयानंद ने मनुस्मृति को प्रामाणिक क्यों माना जबकि वो महाभारत रामायण को नहीं मान रहे हैं और मनुस्मृति खुद उनके कई विचारों के खिलाफ था, तो और मनुस्मृति काफी बात का टेक्स्ट है तो उसको क्यों उन्होंने स्वीकार किया। दूसरा, आपने म्लेच्छ भाषा का एक प्रसंग लिया था कि म्लेच्छ भाषा का उपयोग वेदों को प्रामाणिक या पुराणों को अप्रामाणिक स्थापित करने में क्या भूमिका निभाता, वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों बना, इतने ही मुझे क्या पूछना। जी जी जी, बहुत अच्छी बातें आपने कही, प्रश्न भी बहुत अच्छे आपने किए हैं। यह तो सवाल उठता है कि मध्यस्थ कोई क्यों नहीं है, और ये अंतर आ गया जो पुराने शास्त्रार्थ हो रहे हैं, प्री मॉडर्न पीरियड तक भी जो शास्त्रार्थ हो रहे हैं 17वीं-18वीं शताब्दी तक, उनमें मध्यस्थ एक है और उस मध्यस्थ की भूमिका होती है, और शंकराचार्य ने मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ किया तो उन्होंने स्वयं प्रस्तावित किया कि जो भारती है मंडन मिश्र की पत्नी वो विदुषी है, वो इसमें प्रासंगिक रहेंगी, निर्णायक रहेंगी ये, और वो बहुत बड़ी विदुषी थी, वो निर्णय देने में पूरी तरह से कॉम्पिटेंट थी। जितने भी शास्त्रार्थ होते रहे मेरे ख्याल में 16वीं-17वीं शताब्दी तक, उनमें कोई अध्यक्ष या मध्यस्थ है
ये जरूर होता था कि यदि राज दरबार में शास्त्रार्थ हो रहा है, राजसभा में यदि शास्त्रार्थ हो रहा है, तो राजा अध्यक्ष होता था और राजा जो निर्णय देता था वो स्वीकार कर लिया जाता था, और ये माना जाता था कि राजा विद्वान है, अगर नबी हो तब भी मान लिया जाता था, लेकिन अमूमन राजा लोग अच्छे ज्ञानी हुआ करते थे, पढ़े लिखे होते थे, शास्त्रार्थ तभी वो अपने दरबार में होने देंगे जबकि वो स्वयं अध्यक्ष बनने की योग्यता रखते हों। तो अब इस शास्त्रार्थ में ये गड़बड़ी हो गई कि दयानंद ने शायद ये नहीं सोचा था कि काशी नरेश स्वयं चले आएंगे। वो काशी नरेश चूंकि इंटरेस्टेड थे कि वो सनातनियों के साथ बने रहें, उनका मॉरल बूस्ट करें, तो वो स्वयं पहुंचे वहां पर और एक दूसरे राजा की जो प्रॉपर्टी थी उसमें वो चले गए। अमेठी के राजा को तो उन्होंने इतना भी नहीं की कि हम आएंगे वहां, तो ऐसा सब ये इसमें हुआ। ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। और काशी अब जब राजा यदि है तो मध्यस्थ फिर वही रहेगा ऐसा मान लिया गया, तो इसमें ये प्रस्ताव ही नहीं किया गया कि कोई और आदमी जो तटस्थ हो या तीसरा कोई व्यक्ति हो दोनों पक्षों के अलावा उसको मध्यस्थ बनाया जाए। और बाद जितने शास्त्रार्थ अभी हो रहे हैं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 20वीं शताब्दी में, उनमें मुझे नहीं लग रहा ऐसा कि कोई मध्यस्थ बनाया गया है इस तरह का, जो एक पक्ष है वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैं मान लेता हूँ, तो शास्त्रार्थ समाप्त हो जाता है। तो ये मान लिया गया था कि दयानंद स्वीकार कर लेंगे कि मैं पराजित हुआ और शास्त्रार्थ समाप्त हो जाएगा, और काशी नरेश ने घोषित कर दिया कि शास्त्रार्थ समाप्त हुआ, दयानंद पराजित हुए, तो ये इस तरह से शास्त्रार्थ यहाँ चलाया गया। तो इसमें मध्यस्थ की भूमिका का न होना या एक एक अनुचित रूप में होना, ये इसमें इस शास्त्रार्थ की एक बात है। प्रिंट मीडिया के बारे में आपने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि प्रिंट मीडिया आया ही आया है उस समय। संस्कृत में पत्रिकाएं बहुत सारी एकदम से प्रकाशित हो रही, हिंदी में बहुत सारी पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, अखबार निकलने शुरू हो रहे हैं, तो प्रिंट मीडिया का जो महत्व है पहचाना जा रहा है और उसका बहुत उपयोग किया जा रहा है, तो उसके प्रति एक जबरदस्त आकर्षण लगता है कि कितनी जल्दी तुरंत पैम्फलेट्स निकल रहे हैं और प्रचार सामग्री निकल रही है और उसका असर हो रहा है। तो अखबारबाजी का जो असर हो रहा है ओपिनियन बनाने में, ये तो हम उस समय देखते हैं। अब मनुस्मृति को उन्होंने क्यों प्रमाण माना, ये जो प्रश्न अभी आया कि दयानंद अपने आप को संशोधित। एक मेरा सवाल प्रिंट मीडिया का उपयोग पे नहीं, मैं प्रिंटेड टेक्स्ट का उपयोग शास्त्रार्थ में उसकी बात कर रहा था। जी जी हाँ हाँ हाँ, प्रिंटेड टेक्स्ट का उपयोग शास्त्रार्थ में असल में ग्रंथों में शास्त्रार्थ की परंपरा तो बहुत पुरानी रही है कि शंकराचार्य अपने भाष्यों में अन्य जितने मत मतांतर हैं, सांख्य है, बौद्ध दर्शन है, उन सभी का खंडन कर रहे हैं। तो जो टेक्स्ट में शास्त्रार्थ की परंपरा है बहुत ही संपन्न परंपरा है, वो चली आ रही है। तो यह तो उसी के क्रम में है कि जो प्रकाशित कोई ग्रंथ हो रहा है वो हमारे यहाँ खंडन पर पूरे के पूरे टेक्स्ट लिखे गए, हर शास्त्र में खंडन पर टेक्स्ट लिखे गए, रेफ्यूटेशन के टेक्स्ट डिकंस्ट्रक्ट करते हुए किसी दूसरे टेक्स्ट को, खंडन के रेफ्यूटेशन के टेक्स्ट हमारे यहाँ लिखने की बड़ी परंपरा रही है। तो केवल प्रिंट मीडिया आया तभी ये शुरू हुआ ऐसा तो नहीं है। टेक्स्ट में खंडन करने की जो जो ट्रेडिशन है वो 2,500 साल पुरानी हमारे यहाँ है, और उसके क्रम में जब जब मुद्रण की सुविधा हो गई कि प्रकाशित भी हम कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, तो वही सामग्री फिर प्रिंट में आने लग गई। तो पंडितों ने जो ग्रंथ लिखे खंडन में वो छपने भी लग गए, पहले हस्तलिखित में ही रहते थे और उनकी हस्तलिखित कॉपीज बना के सर्कुलेट होती थी, अब वो छप करके सर्कुलेट होती है, इतना ही अंतर आता है। मेरी समझ से टेक्स्ट का उपयोग शास्त्रार्थ के लिए जो पहले जितना होता आया था उसी तरह से हमारे समय में संस्कृत के वैचारिक विश्व में हो रहा है, यह मैं कह सकता हूँ। अगला प्रश्न जी मनुस्मृति वाली बात। हाँ, मनुस्मृति के बारे में उनका प्रश्न था। जहाँ तक मेरी जानकारी है एक समय मनुस्मृति को भी वो प्रमाण मानने को तैयार नहीं थे, बाद में पता नहीं किस कारण से, मैं बहुत विश्वास के साथ में नहीं कह सकता क्योंकि दयानंद का जीवन चरित मैंने बहुत बहुत बारीकी से इस तरह से नहीं पढ़ा, लेकिन जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है इसमें भी संशोधन उन्होंने किया, और ये शायद कोई प्रेशर रहा होगा कि क्योंकि मनुस्मृति को प्रमाण स्वीकार करने वाला बहुत बड़ा समाज था हमारे यहाँ, और ये एक औपनिवेशिक मानसिकता के तहत भी मनुस्मृति को प्रमाण स्वीकार किया गया, क्योंकि सर विलियम जोन्स जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनकर के आए, उन्होंने
हिंदुओं के जिन ग्रंथों का ला की जिन टेक्स्ट का अनुवाद कराया उसमें ये कहा गया कि मनुस्मृति ही सबसे प्रमाण है। यह एक तरह से तस्वीर खड़ी की गई हमारे धर्मशास्त्र की कि हमारे धर्मशास्त्र में मनुस्मृति ही सबसे ज्यादा प्रमाण है। ये उपनिवेशिक कंस्ट्रक्ट शायद था, कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट मेरे हिसाब से ये था, और उसका असर पूरे समाज पर हमारे यहाँ आया। तो एक बड़ा दबाव था कि कम से कम एक स्मृति को तो प्रमाण माना जाना चाहिए, क्योंकि हमारी लाभुक कौन सी है। अगर हमसे विदेशी पूछता है, हमसे मुसलमान पूछता है, क्रिश्चियन हमसे पूछता है कि आपकी लाभुक कौन सी है, तो हम क्या जवाब देंगे। तो कम से कम एक ग्रंथ हमको बताना चाहिए। यह जो एक एकाधिपत्यवादी नजरिया आया कि कोई एक टेक्स्ट बताइए, क्योंकि हमारे पास एक कुरान शरीफ है, हमारे पास एक बाइबल है, तो आप एक टेक्स्ट बताइए, तो आप धर्मशास्त्र की एक टेक्स्ट बताइए, तो मनुस्मृति को साइड किया जाने लगा कि हमारी टेक्स्ट यह है, और ये चल पड़ा। तो उसके दबाव में शायद उन्होंने स्वीकार किया हो, बाद में हो सकता है कि उन्होंने स्वीकार किया हो, जहाँ तक मेरी जानकारी है, और हो सकता है कि मेरी जानकारी बहुत ऑथेंटिक ना हो, इतना ही मैं कह सकता हूँ। जो म्लेच्छ भाषा पर आपने पूछा, वो एक बहुत ही अवांतर प्रश्न है, उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। वो जिस तरह से शास्त्रार्थ में खेल होता है, तो उसमें दयानंद ने भी कहा उसी तरह से कि वेदों में म्लेच्छ भाषा न बोली जाए, ऐसा कोई इंजंक्शन नहीं है। पुराणों ने कहा कि म्लेच्छ भाषा न बोली जाए, पुराणों में शुद्धतावादी एक नजरिया आ गया, ये उन्होंने साइट किया। तो बाल शास्त्री ने ब्राह्मण से, मतलब वेदों से एक वाक्य उद्धृत कर दिया कि म्लेच्छ भाषा न बोली जाए, ऐसा वहां कहा तो गया है। इतना ही कुल था, और उसका बहुत ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट ऐसा नहीं है मेरी समझ से, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा मल्टीलिंगुअलिज्म रहा है। ये तो वेदों में कहा ही गया है कि कई भाषाएं इस धरती पर बोली जाती हैं, केवल संस्कृत ही भाषा नहीं है, वेद खुद ही कहते हैं। और विभ्रति जन्म बहुधा विवाचसम, जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणं प्रति यतो, ये धरती माता इस पर कई, इसकी संतानें कई भाषाएं बोलती हैं और कई धर्मों का पालन करती हैं, या अपने अंक में अपनी गोद में उन सब संतानों को धारण किए हुए, या भारत की धरती, ऐसा अथर्वेद में पृथ्वी सूक्त में कहा गया। तो कई भाषाएं हमारे यहाँ प्रचलित रही हैं, और ऐसा इंजंक्शन वेद में होना नहीं चाहिए कि न बोली जाए, लेकिन ब्राह्मण टेक्स्ट में यदि कोई आ गया तो वो कर्मकांड की दृष्टि से आ गया है कि उस कर्मकांड में शुद्ध भाषा का प्रयोग होगा, कर्मकांड की जो भाषा होगी उसमें म्लेच्छ भाषा का प्रयोग नहीं होगा, इस दृष्टि से वहां आया होगा। वो कहाँ आया है मैं नहीं देख सका, क्योंकि वो मिलता नहीं है। जो बाल शास्त्री ने वाक्य बोला, जो प्रसिद्ध ब्राह्मण है उनमें वो नहीं है, ये महाभाष्य में कोट किया गया है, न ब्राह्मणी न म्लेच्छितव न अपभाषितव। हाँ, तो बाल शास्त्री उस आधार पर कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप। तो इसलिए मेरे समझ से ये एक शास्त्रार्थ में जो ट्रिक्स होती है उनका एक हिस्सा था, दोनों तरफ से खेल किया जा रहा था। एक ने कहा कि वेदों में ऐसा नहीं है, पुराणों में ऐसा है, और दूसरे ने कहा कि नहीं, वेदों में भी है, पुराणों में भी है, इसलिए आप मान लीजिए कि पुराण भी प्रमाण है, उतना है। अगला प्रश्न हम लेते हैं प्रोफेसर सी के राजू जी। शुक्रिया, बहुत ही रोचक लगा आपका भाषण, और आप लेकिन गायब हो गए। मेरे हिसाब से तो मैं बना हुआ हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ अवतार लेने के लिए तो कोई बात नहीं, मेरी बात तो सुनाई दे रही होगी। बहुत ही रोचक लगा आपका, अपने आप हो जाता है इसमें। हाँ जी, हाँ, तो इसलिए कि एक तो ये भारतीय संस्कृति का एक यूनिक फीचर है कि इस तरह से वाद विवाद हो, जो कि दूसरी जगह नहीं पाया जाता है, बहुत ही यूनिक फीचर है। और इसके यानी पुराने जमाने का तो है, जो बौद्ध जैन और न्याय वैशेषिक और बौद्ध वगैरह का जितना वाद विवाद होता था, लेकिन ये जो हाल ही में हुआ है इसके बारे में लिखना और लोगों का जानना बहुत जरूरी है, ये तो पहली बात है। इसलिए आपको मैं बहुत दोबारा से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने जो बोला मुझे बहुत पसंद आया। अब देखिए, मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट है, इसमें पर्सनल इंटरेस्ट ऐसा है कि मैं एक वाद खड़ा करना चाह रहा हूँ गणित और मैथमेटिक्स के बीच। बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत साल से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि कोई चुनौती मानता ही नहीं है, क्योंकि ये वाद विवाद का ट्रेडिशन ही नहीं है दूसरे जगह।
बस खाली ये तरह तरह के, जैसे आपने कहा कि कुछ झूठ बोल दिया, कुछ ये ले आए, कुछ वो कर दिए, इस तरह से होता है। सचमुच में वाद विवाद नहीं होता है, यह सोच के कि भाई हमें सच्चाई क्या है यह जानना जरूरी। तो इसलिए मुझे बहुत ही इंटरेस्ट आया। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो इनकी चुनौती अगर कोई अस्वीकार कर देता है तो क्या होता है? अगर आपने वाद विवाद के लिए चुनौती दी और कोई अस्वीकार कर देता है तो इस हाँ पे क्या माना जाता है? जी, इसमें कोई है क्या, हाँ कोई नहीं हाँ है, ये एक सवाल। हाँ हाँ जी जी ठीक है। दूसरा ये है कि आपने जो पुराण के बारे में कहा तो वो तो आधिकारिक नहीं माना जा सकता, वो प्रमाणिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि किसके बारे में? पुराण के बारे में, हाँ पुराणों जी के बारे में कहा हाँ तो ये गणित में कई जगह ऐसा कहा गया है कि भाई जो पुराण में लिखा है वो मिथ्या है, जैसे हाँ कि पृथ्वी शेषनाग के ऊपर है या ऐसे कई सारी चीजें हैं जो कि गलत है, मिथ्या है। हाँ हाँ तो जी हमने नहीं माना है, हमारे जितनी भी हमारी परंपरा है उसमें पुराणों को प्रामाणिक नहीं माना है। तो ये दयानंद सरस्वती का कहना बिल्कुल सही, और हाँ ये जी इसके ठीक बारे में जीवनी जरा, और ये जो आपने बताया है ये इतने रोचक तरीके से बताया है, मेरे को तो बहुत ही खुश हूँ आपकी बात सुन के। थैंक जी, थैंक यू। यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत संक्षेप में मैं कह सकता, जो आपने बात कही कि यदि शास्त्रार्थ की चुनौती को कोई स्वीकार न करे तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है कि वो पराजित माना जाएगा। ऐसा दयानंद के साथ भी हुआ, वो काशी शास्त्रार्थ के बाद वो तो चुनौती खूब दे रहे थे और कई लोग घबरा जाते थे। यहाँ तक कि हुआ कि एक सन्यासी ने कहा उनसे कि मैं शास्त्रार्थ करूंगा और वो गायब हो गए उस समय, घबरा के चले गए कहीं। तो दयानंद ने कहा कि है कहाँ, मैं उसको ढूंढूंगा। लोगों ने बताया कि स्मशान में चले गए, तो दयानंद जी उसको स्मशान में ढूंढते गए और उसको पकड़ करके कहा कि तू शास्त्रार्थ कर। उसने कहा कि नहीं करना, मुझे नहीं करना। तो उसकी पराजय ही मानी जाएगी, ये ऐसा होता था। पूरी परंपरा में यही है कि अगर कोई कहता है कि मैं नहीं कर सकता तो ही और शी सपोज टू बी डिफीटेड। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो है कि पुराण कहाँ तक प्रामाणिक माने जाएंगे, और दयानंद ने जिन आधारों पर उनको अप्रामाणिक कहा वो आधार सही है कि उनमें वो कहते हैं कि बहुत सारी मिथ्या बातें हैं और अवैज्ञानिक बातें उनमें हैं, तो ये तो बात सही है। लेकिन पुराणों में असल में वो पूरी आम जनता के लिए लिखे गए हैं, और उनमें बहुत सारा ऐसा भी है जिसने कि समाज की बड़ी सेवा की। पुराण अपने आप में बहुत बड़ी एकेडमी बन गए, बड़ा विश्वविद्यालय एक तरह से बन गए भारतीय समाज के लिए, और भारतीय समाज को एजुकेट करने का वो काम करते रहे। पुराणों के जो गायक थे, कथा गायक थे, तो अब किसी बड़ी एकेडमी में, बड़े विश्वविद्यालय में टीचिंग में हो सकता है कि कुछ बातें सही ना कही जाए। पुराणों में जो आप कह रहे हैं उनकी कॉस्मोलॉजी में बहुत साइंटिफिक भी कई जगह है, और इतना जबरदस्त है कि जब वो ब्रह्मांड का वर्णन करते हैं भागवत में, तो जो कॉस्मोलॉजी आज है उससे ज्यादा ज्यादा बढ़िया ढंग से उसको समझाते हैं। पूरा जो ब्रह्मांड जिस तरह से घूम रहा है और गुरुत्वाकर्षण में जिस तरह से टिके हुए हैं ग्रह नक्षत्र तारे, उसको कुमार के चाप के दृष्टांत से पूरी पूरा कॉस्मोस का स्वरूप वो समझाते हैं बड़े मेटाफोरिकली, और बहुत करेक्ट एक्यूरेट वह है। तो पुराणों ने तो यह भी काम किया, और ये जरूर है। दयानंद इस बात को समझ रहे थे, इसीलिए तो कह रहे थे कि भागवत पुराण में तो गड़बड़ियां हैं, देवी भागवत में नहीं है। ये दयानंद में एक समय अपने आप को संशोधित करने की जो प्रवृत्ति थी उसके कारण वो इतना 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 इनमें प्रमाण है और इतना इतना प्रमाण नहीं है, एक समय ये स्टैंड वो ले रहे थे। बाद में जो रिजिडिटी आती है, वो पूरा का पूरा रिजेक्ट करते हैं पुराणों को। तो पुराणों को पूरा का पूरा रिजेक्ट करना तो पूरी हमारी भारतीय संस्कृति के लिए परम दुर्भाग्य होगा, क्योंकि इतना अद्भुत अनोखा साहित्य है पुराण में। कविता, विज्ञान, शास्त्र परंपराएं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, कितने कितने शास्त्र उनमें समाये गए हैं एक एक पुराण में, और बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो कि अन्य किसी शास्त्र में फिर हमें नहीं मिलती। मैं तो नाट्यशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ड्रामेटर्जी और थिएटर के बारे में ऐसी जबरदस्त जानकारी है नाट्यशास्त्र के बाद जो आपको फिर और कहीं नहीं मिलती, और बहुत ही एक्यूरेट और साइंटिफिक है क्योंकि पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके लिखा गया है। तो पूरे के पूरे प्रमाण तो हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। दयानंद इस बात को एक एक समय समझ रहे थे, इस बात को बाद में दुर्भाग्य से आ जाता है कि हम पूरा रिजेक्ट करते हैं। तो उस पर मैंने कहना चाहा कि ये जो रिजिडिटी आ जाती है ये थोड़ा सा गलत हुआ हमारे लिए, और जहां जहां गलत है पुराण में वो तो बताना चाहिए,
तो ऐसा नहीं है कि पुराण में जहाँ गलत हो गया उसको पुराण ने रिवाइज ना किया हो, क्योंकि पुराणों में अपने आप को संशोधित कर नया पुराण लिखा जा रहा है, एक पुराण हो गया उसके बाद दूसरा पुराण फिर लिखा जा रहा है, तो अपने आप को करेक्ट करने की तो टेंडेंसी नहीं, तो कई हजार साल तक पुराण बराबर लिखे जाते रहे, तो ऐसा क्यों होता है जी? बहुत सुंदर प्रश्न उत्तर का सिलसिला चल रहा है। किसी अन्य अध्येता का कोई प्रश्न अगर हो तो हम लेते हैं। हाँ प्रोफेसर पुरोहित जी, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को सर। पुरोहित सर अपने आप को अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ, अब आ रही है। प्रणाम करता हूँ आचार्य जी को जी। आपका नाट्य शास्त्र मैंने पढ़ा है जी, और मैं ये दयानंद सरस्वती जी के बारे में आपके विचारों से बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। एक चीज जो छूट गई, दयानंद सरस्वती जी ने जो शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था, जनयू जिसे आंदोलन कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें तो अच्छा लगेगा। हाँ, जहां तक मेरी जानकारी है ये तो बहुत बड़ा उनका योगदान है कि जो दूसरे धर्म में चला गया है उसको हम वापस शुद्धिकरण के द्वारा ले सकते हैं, और आर्य समाज में बराबर चलता रहा तो बहुत सारी समस्याओं का हमारे यहाँ समाधान हो जाता अगर हम इस बात को स्वीकार करते थे। सनातन धर्म की परंपरा में ये मूलता नहीं था, बाद में कहीं कहीं माना गया, वह दयानंद का और आर्य समाज का प्रभाव भी कदाचित है। तो यह जो अपने धर्म को विस्तार देने के लिए उसमें यह जो फिर से स्वीकृति जो कि अन्यत्र चला गया है उसका स्वागत करने की प्रवृत्ति है, यह एक अच्छी उन्होंने शुरुआत की, और इससे समाज सुधार में और हिंदू धर्म को व्यापक बनाने में और बहुत सारी विसंगतियों को दूर करने में इससे मदद मिली, तो इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए और इसको जारी रखा जाना चाहिए, इतना ही मैं कह सकता हूँ जी। अन्य कोई प्रश्न? मुझे लगता है कि अब प्रश्न नहीं है, देता हूं। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ छोटा सा। जी सर बताइए। सर आप दिख नहीं रहे हैं? नहीं सर दिख रहे हैं। आप दिख रहे हैं? मैं आपको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, आप तो बोलिए। दयानंद सरस्वती पर औपनिवेशिक या ईसाई प्रभाव कितना है? ये थोड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि रेसिस्ट तो वो कर, इतना मैं कह सकता हूँ कि वो उपनिवेशिक प्रभाव, औपनिवेशिक प्रभाव को रेसिस्ट कर रहे, उसको उसको उसके खिलाफ वो खड़े हो रहे थे दयानंद, कम से कम। गांधी तो बहुत जबरदस्त रूप में खड़े हो ही रहे थे, जबकि बहुत सारा जो हमारा समाज है, यहाँ तक कि जिन पंडितों को पारंपरिक घोर पारंपरिक पंडितों को मैं जानता हूँ, वो कितनी गहराई से औपनिवेशिक मानसिकता से प्रभावित हैं यह मैं अब समझ रहा हूँ, लेकिन दयानंद के बारे में कहना मुश्किल है कि किस सीमा तक वो कॉलोनाइजेशन की जो प्रक्रिया हुई उससे प्रभावित हुए जी। आवाज नहीं आ रही। धर्मपाल वगैरह जो कह रहे हैं, सर धर्मपाल कह रहे हैं कि वो विरोध करते करते ही उसका समर्थन करते जा रहे हैं। ये वही मैं कहना चाह रहा था कि थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है। मैक्स मुलर का जबरदस्त वो खंडन करते हैं कि वो विदर्भी उम्लेच से क्या वेद क्या जानता है, लेकिन असल में मैक्स मुलर का ऐसा जबरदस्त असर था पूरे हमारे समाज पर कि उससे बचकर के रहना मुश्किल था, क्योंकि सायण भाष्य के साथ में ऋग्वेद पहली बार आया और गहरा अध्ययन मैक्स मुलर का उस समय था, तो बहुत प्रभावित हो रहे थे लोग उससे। तो दयानंद ने तो पढ़ा भी नहीं था ना, मैक्स मुलर को अंग्रेजी नहीं जानते थे, उनके जो अनुयायी थे श्यामजी कृष्ण वर्मा जो बहुत अच्छे अंग्रेजीदा थे और ऑक्सफोर्ड भी गए थे, मोरियर विलियम्स के साथ उन्होंने काम किया था, ये लोग उनको बताते थे जितना जो कुछ बताते थे, तो दयानंद की सीमाएं थी असल में, वो जिस पृष्ठभूमि से आए थे तो वो अंग्रेजी पद्धति से पूरी तरह से प्रामाणिक रूप से वाकिफ नहीं थे। लाला लाजपत राय ने इसी बात पर उनकी थोड़ी सी खबर ली है कि आपने मैक्स मुलर को अंग्रेजी में पढ़ाई नहीं है और आप उसको विधर्मी कह करके उसको खारिज भी करते जा रहे हैं, तो ये थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया हो जाती है, क्योंकि उनको शायद श्याम जी कृष्ण वर्मा जो बता रहे हैं या जो उनके अनुयायी जिन्होंने पढ़ा है वो बता रहे हैं, और वो कॉलोनाइजेशन की पूरी प्रक्रिया से कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं, उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो हो सकता है कि परोक्ष रूप से उन पर प्रभाव कहीं आया हो,
लेकिन ये बहुत मुश्किल और जटिल सवाल है, मैं एकदम से नहीं कह सकता हूँ। ये तो इतना मैं कह सकता हूँ कि वो चूंकि स्वतंत्रता संग्राम में जो ये जो आजादी की लड़ाई थी 1857 में, उसमें उसके साथ दयानंद थे, हालांकि बहुत यंग थे उस समय, लेकिन इसके कुछ उल्लेख मिलते हैं कि वो लोग उन लोगों से मिले थे जो क्रांतिकारी थे, उनके साथ थे वो। सर, धर्मपाल की एक छोटी सी किताब है भारत का स्वधर्म, मुझे लगता है कि उन्होंने रेनेसा पीरियड के बहुत सारे लोगों को जो औपनिवेशिक शासन का विरोध कर रहे हैं, औपनिवेशिक वर्चस्व का विरोध कर रहे हैं, और उनकी दृष्टि वही है, ये सिद्ध करने की कोशिश की है। हाँ, वो सवाल ये उठाते हैं कि हम किसके देश काल में रह रहे हैं, हम अंग्रेजों के दिए हुए देश काल में रह रहे हैं, हम अपना कैलेंडर छोड़ चुके हैं, हम अंग्रेजी तारीखों और अंग्रेजी समय में जी रहे हैं, तो ये तो एक अनिवार्य बात हो गई थी ना कि हम, दयानंद भी तो उस प्रक्रिया के फिर अंग उनको बनना पड़ा। तो ये इतनी जटिल प्रक्रिया है कि चूंकि राज अंग्रेज का है, वो समय चला रहा है, उसके दिए हुए समय से हम गुजर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उससे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन उसी काल में हम रेसिस्ट कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है। तो दयानंद का महत्व मेरे लिए कदाचित इस दृष्टि से है कि वो उस औपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया है उसका प्रतिरोध भी कर रहे हैं, और जो उसके अनिवार्य प्रभाव है जो कि जिनसे गुजरना जरूरी हो गया है, उनके दिए हुए समय से हम नियंत्रित हो रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। इतना ही मैं कह सकता हूँ, बाकी विचारणीय प्रश्न है और मैं इस पर विचार करूंगा। सर सर एक 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 सिर्फ बात जोड़ना चाहूंगा सर, कि पूरे प्रकरण में एक सर मैं एक जस्ट एक लाइन है बात जानने, एड टू दिस क्वेश्चन दिस पॉइंट, कि जो इन्होंने ईसाई का जिक्र किया जो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे दयानंद, ये ईसाई धर्म से आता है, ये साफ साफ ईसाई धर्म से आता है, ये साफ साफ मिशनरी इन्फ्लुएंस है। और ये जो बात है इसको, इसके बारे में मैं और भी कह दूं कि जब ईसाइयों ने जो अलेक्जेंड्रिया में जो रोमन एम्पायर में सब मूर्तियां तोड़े, सब मंदिर तोड़े, तो उस समय ये अपने कई सारे जो फिलोसफर्स थे वो बोलते थे मूर्ति क्या है, वो पत्थर नहीं है, इट इज अ बुक रिटन इन स्टोन, सो समबडी डज नॉट अंडरस्टैंड, तो उसका कुछ उसके लिए वैसा ही है जैसे कि किताब क्या है, जस्ट एक कागज का बंच है, उसके अंदर क्या है तो समझने की जरूरत है। तो पूजा एक तरफ हुई, लेकिन बुक रिटन इन स्टोन ये जो फिलोसफी थी ये इनके समझ में नहीं आई, और मूर्ति पूजा के बारे में बहुत कुछ कह दिया, तो ये तो बिल्कुल साफ साफ नजर आता है उसका असर, ईसाइयों का असर, मिशनरी स्कूलिंग का असर और औपनिवेशिक वाद का असर। तो सर पटेल कुछ जोड़ना चाह रहे थे। हाँ, मैं सर की बात को सुनते हुए एक बात को रेखांकित करना चाहता था सर, जो बात कह के भी लोग नहीं कहना चाहते हैं वो ये कि आर्य समाज राष्ट्रवाद के साथ खड़ा है, और जो सनातनी है वो मोटे तौर पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ नहीं है। और ये आपने 1857 का जिक्र करके बहुत अच्छा किया, 1857 से प्रेमचंद के जमाने तक, प्रेमचंद पर खुद भी आर्य समाज का प्रभाव था, तो ये जो हिंदू धर्म के भीतर दो धाराएं हैं उसमें आर्य समाज लेकिन प्रोग्रेसिव धारा के रूप में चिन्हित किया जा सकता है अगर हम इसकी ऐतिहासिक व्याख्या करें। इसलिए आर्य समाज में जितनी भी खामियां हों, दयानंद के विचारों में जितनी भी त्रुटियां हों, लेकिन वो समाज के जिसको हम लोग प्रगतिशील कहते हैं, हम लोग एक सुविधा के लिए, लेकिन जिसमें ज्यादा स्पेस बन रहा है उसके साथ आर्य समाज खड़ा है। इसीलिए मुझे लगता है कि आर्य समाज के जो नेता थे, या दयानंद के साथ अगर हम तिलक को जोड़ना चाहें, बाद में हम थोड़ा सा गांधी को भी वैचारिक रूप से जोड़ सकते हैं, तो आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये बहुत यूजफुल पॉइंट है कि हम धीरे धीरे आर्य समाज के बारे में एक ऐसी राय बनाएं जो अपनी तमाम सीमाओं के बावजूद भी एक 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 संवाद की संभावनाएं तलाश रहा है बहुत ज्यादा। ये बात आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट लगी मुझे, बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, बहुत धन्यवाद, मैं सहमत हूँ आपसे पटेल जी, बहुत अच्छा आपने कहा। लेकिन मूर्ति पूजा का खंडन क्रिश्चियनिटी का प्रभाव है यह तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा एक पूरी रही है,
और चारवाक की भी परंपरा रही है और मूर्ति भंजन की परंपरा भी रही है। और दयानंद जी के जो गुरु थे विरजानंद सरस्वती, उनसे ही उन्होंने लिया। पुराणों में पाखंड है और उनका खंडन और पूरी जो मूर्ति पूजन की परंपरा है ये विरजानंद सरस्वती ने कर दिया था पहले। और वो तो क्रिश्चियनिटी से वाकिफ भी नहीं थे किसी तरह। दयानंद तक तो मान लीजिए कि पता उनको चला कि क्रिश्चियनिटी में क्या है, लेकिन विरजानंद सरस्वती तो किसी भी तरह से वाकिफ नहीं थे और बहुत अलग दुनिया में वो रहते थे, अलग उनका संसार था, एक्सक्लूजन में वो थे। तो उनका उनका एक अपना वैचारिक विश्व था कि आर्ष ग्रंथों को मैं प्रमाण मानता हूँ, बाकी सब मूर्ति भंजन वो कर रहे थे, पुराणों का खंडन कर रहे थे, जो व्याकरण के बाद के ग्रंथ हैं उन सबको जूते चप्पल से पिटाई उन ग्रंथों की वो करवा रहे थे, इतने बड़े मूर्ति भंजक वो थे। तो शायद क्रिश्चियनिटी से आ गई है दयानंद में ये जो आइकोनोक्लास्ट होने की जो प्रवृत्ति है मूर्ति भंजक की, ऐसा मुझे लगता नहीं है, इतना मैं कह सकता हूँ। जी बहुत ही रोचक और अर्थपूर्ण चर्चा हुई आचार्य वर्ग के काशी शास्त्रार्थ के सांगोपांग विवेचन के। तीन घंटे का शास्त्रार्थ था और हम लोग 2 घंटे उस पर चर्चा कर रहे हैं, ये बड़ी सफलता और ये बताता है कि हम इसके महत्व को समझते हैं और हमारा जो इमीडिएट पास्ट है उसको समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है वर्तमान के लिए। इस शास्त्रार्थ में चाहे जीत किसी की भी हुई हो, लेकिन उससे ये संवाद जरूर विकसित हुआ, जैसा कि प्रोफेसर त्रिपाठी ने कहा कि संवाद वो है जो कि व्यक्ति और समाज दोनों को मुक्त करे। हम देखते हैं ब्रॉडर सेंस में, हम देख सकते हैं कि आर्य समाज ने सनातन धर्म का या भारतीय समाज का कितना अधिक उपकार किया है, जो विशेष रूप से संस्कृत की सुरक्षा के विषय में मैं देखता हूँ, उनके चलाए हुए गुरुकुल कितना अधिक आज जबकि उच्च वर्ग के लोग संस्कृत पढ़ना छोड़ रहे हैं, उन्होंने कितना अधिक संस्कृत के शास्त्रों को विकसित किया है, सुरक्षित किया है, व्याकरण को विशेष रूप से, वेद को, धार्मिकता या राष्ट्रवाद जैसा प्रोफेसर पटेल कह रहे हैं वो आर्य समाज की का स्वर हमेशा राष्ट्रवाद का स्वर रहा है। तो दयानंद जो है वह आधुनिक भारतीय मानस की संघटना के अनिवार्य सामग्री हैं। वो उन पर ईमान नहीं लाना जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी भारतीय के लिए कुफ्र की तरह है। उन्होंने हमारे समाज पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है और आज के इस विचारपूर्ण संगोष्ठी से ये बात बहुत ही स्पष्ट होकर के आई। हम बार बार आभार प्रकट करते हैं आचार्य त्रिपाठी जी का और हम विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में हम पौनः पुण्य है ना, बार बार आपको हमें सुनने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी, मैं कुछ आप सभी का बहुत आभारी हूं। जी जी सर, जी जी सर। हाँ, आपने बहुत ही अच्छे सुचारू रूप से इसका संचालन किया, इसलिए आपका भी धन्यवाद बलराम जी। और आप इतने मधुरता से करते हैं, विनम्रपूर्ण, जैसे आप कृपा करके प्रश्न करें, बहुत अच्छा लगता है। एक मतलब माहौल ही बदल जा। धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं मेरे मन में एक दो चीजें आई, बहुत जल्दी मैं कहना चाहता हूँ संक्षिप्त रूप में। एक तो ये कि स्वामी दयानंद से जो अलग अलग रास्ते निकलते हैं, एक तो जाता है श्याम जी कृष्ण वर्मा की तरफ, वो खुद आर्य समाजी थे, संस्कृत में भाषण करते थे, उन्होंने इंडिया हाउस बनाया लंदन में, जहाँ पहले सारे क्रांतिकारी आते थे, सावरकर भी वहीं थे और मदनलाल ढींगरा भी वहीं पहुंचे और उन्होंने वाइली का मतलब खून किया, उनकी फांसी भी हुई, गांधी जी भी 1909 में वहां पहुंच गए, यहाँ लाला हरदयाल अमेरिका गए, वो भी आर्य समाजी थे और उन्होंने गदर पार्टी शुरू की। तो ये जो रेवोल्यूशनरी डायमेंशन है आर्य समाजियों का, और लाला लाजपत राय जी भी लाठीचार्ज में गुजर गए, तो ये बहुत जरूरी है। मतलब हितेंद्र जी ने भी एक बात कही थी इसके बारे में कि, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये दोनों धाराएं एकदम विपरीत थी, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हाल में सिंगापुर गया था और मैं आर्य समाजियों के मंदिर गया, तो मैंने वहां सारी मूर्तियां देखी, तो मैंने उनको पूछा ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा देखिए भारत में उस समय जो हुआ उसको भूल जाइए, अब तो हमारे जो सदस्य हैं उनके परिवार में ही कुछ लोग चाहते हैं कि कृष्ण भगवान की मूर्ति हो, कुछ ये हो कुछ वो हो, तो ये समन्वय की मतलब क्या कहते हैं आवश्यकता,
हम मान के चलते हैं कि आजकल भी आर्य समाजियों में सुबह सुबह हवन करते हैं और कुछ लोग कुछ और भी करते हैं, ये तो हमारी मतलब मानसिकता का अंश है भारतीयों की, कि जो कंप्लीटली विपरीत चीज हो, अंतर द्वंद हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि विरोधाभास हो, उसको हम साथ साथ लेके आगे बढ़ सकते हैं। पश्चिम में ये नहीं है। अब मैं राजू साहब की बात पे आता हूँ। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि मूर्ति को सिर्फ आप एक पाषाण रूप माने तो वो मूर्ति पूजन नहीं है, प्राण प्रतिष्ठापना कुछ और होता है। और अब हम पता है हमें कि साइंस भी बतलाती है कि कॉन्शियसनेस हर जगह है, मतलब पत्थर में भी कुछ वाइब्रेशन है, कुछ कॉन्शियसनेस है। और फिर किसी ने टेक्सचुअलाइजेशन की बात की थी सुब्बू जी ने, तो मुझे लगता है कि ये जो इंडिया की मॉडर्नाइजेशन हुई, भारत की, हिंदू धर्म की, इसमें ये क्षुरस्य धारा के समान है कि एक तरफ तो हम कहते हैं ग्रंथ लाओ, दूसरी तरफ हम कहते हैं वेद का जो ज्ञान है वो एक जीवित ज्ञान है, वो टेक्स्चुअलाइज नहीं है। फिर हम उसको टेक्स्ट प्रमाण कर देते हैं, जैसे आपने बहुत अच्छा समझाया कि मनुस्मृति को क्यों आगे लाया गया, हालांकि किसी भी गांव में मनुस्मृति को पूजा नहीं जाता या उसको माना नहीं जाता, उससे हम कोई भी न्याय व्यवस्था हम उससे निकालते नहीं है, लेकिन उसको आगे ब्रिटिशों ने, कोलब्रुक ने ट्रांसलेट किया वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि आर्य समाजियों ने और दयानंद जी ने भी जिस तरह टेक्स्चुअलाइज किया और फिर सत्यार्थ प्रकाश को फ्रोजन ग्रंथ बनाया, उससे नुकसान भी हुआ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये टू एज्ड स्वॉर्ड है कि हम वेदों को वापस ला रहे हैं, लेकिन वेदों को हमने इतना टेक्स्चुअलाइज कर दिया ऑन द वन हैंड, फिर दूसरी तरह मूर्तियों को हम हटा भी रहे हैं जो पहले भी हो चुका है, लेकिन अब के काल में मूर्तियों को हटाना इट्स अ कंसेशन टू इस्लाम। क्योंकि जो मैंने पढ़ा था एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, कि इनके जो पिताजी थे लाला लाजपत राय जी के, वो भी सजदा करने लगे थे। मतलब जो हिंदू थे पंजाब में वो तो कम लगभग खत्म होने जा रहे थे, क्योंकि ये जो अटैक हो रहा है, जैसे मैकॉलियाइट्स ने किया, सेक्युलर भी हो रहा है, मिशनरी भी हो रहा है, तो यहाँ भी एक प्रोग्रेसिव उर्दू वालों से भी एक अटैक हो रहा है और फिर मुलाओं का भी अटैक हो रहा है एज इट वर। तो ये दो तरफा जो अटैक हो रहा है किसी एक बहुत पुरानी परंपरा, जिसका ना तो कोई एक ग्रंथ है, ना तो कोई एक फाउंडर है, ना एक चर्च है फलाना, तो इसमें जो समझौते करने पड़ते हैं, जो परिस्थितियों का, जो चुनौतियों का सामना करने के लिए, तो कुछ समझौते मतलब हम कह सकते हैं अनदेखे भी होते हैं, बिना सोचे हम वो समझौते कर बैठते हैं क्योंकि सामना करना पड़ता है इसलिए। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो आर्य समाज ने भी कुछ इस तरह से समझौते शायद करे होंगे। लेकिन आपका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था और मैं देख रहा था कि आचार्य जी ने कुछ 162 ग्रंथों का की रचना की है, मेरे हिसाब से 175 ग्रंथ हो गए होंगे। मैं तो समझता हूँ आप भारत रत्न के पात्र हैं, इतना रिसर्च किसी ने किया होगा, मुझे तो पता नहीं है कि 175 ग्रंथ लिखे हैं आपने। तो वही जो पुराने जमाने में हमारे विद्वान लिखते थे, जैसे अपया दीक्षितर ने भी कई ग्रंथ लिखे, उसी परंपरा में आप भी हैं। हम आपका नमन करते हैं सर, दोबारा आइए, और इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद के साथ, आप भी कुछ कहना चाहें, कुछ हमें आशीर्वचन भी दीजिए सर, फिर हम विदा लेते हैं। मुझे तो स्वयं आप लोगों ने जितना कहा उससे मुझे कुछ और आगे सोचने समझने को मिला, बहुत ही अच्छी टिप्पणियां मेरे जितना मैंने अपनी सीमाओं में कहा उस पर आई, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। बहुत ही सुचिंतित रूप में मकरंद जी आपने आरंभ में और बाद में सारी जो बातें कही है, तो अच्छी सार्थक चर्चा हुई, मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का अवसर है। और इंस्टीट्यूट जो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान है वो तो मेरे लिए एक तीर्थ स्थान की तरह रहा है, मैं ज्यादा नहीं वहाँ रह पाया और उसके बाद जब जब अवसर मिला मैं आता ही रहा, और मेरा सौभाग्य है कि आप इससे मेरा संपर्क इसी तरह बना रहेगा। मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी का जी, धन्यवाद। धन्यवाद, ठीक है, छोड़ दिया जाए।